डाली 5 मिनट लेट है। असल में इस वक्त जो है ना वो दूसरी तरफ से बस भागते हुए पहुंचने की कोशिश कर रहा हो तो, और आगे बिल्कुल मगरिब है तो इसलिए टाइम लिमिटेशन भी बड़ी कैलकुलेटेड सी होती है। आपका कैसे इनपुट आ रहा है? इनपुट आ रहा है। नहीं जी, कल हमने बहुत ही मज़ेदार सी डिस्कशंस की थी, इसको मैं बिठा देता हूँ ताकि मैं ज़रा ज़्यादा बेहतर। कल बड़ी मज़ेदार किस्म की हमने डिस्कशंस की थी, ऑफ़र क्या होती है, ऑफ़र की क्या कंडीशंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, एग्रीमेंट कैसे कहते हैं, प्रॉमिस कैसे कहते हैं, प्रॉमिस कैसे कहते हैं, किन दो चीज़ों को ऐड करें तो प्रॉमिस बनता है। आप कल आए थे? कल आप नहीं थे। आप कल थे? ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है इसको मिला के प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस में ऐसा क्या ऐड करें कि वो एग्रीमेंट बन जाए? कंसिडरेशन। प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ये कंसिडरेशन क्या चीज़ है? जो उन ये बेसिकली एग्रीमेंट मेंटर होने की वजह है, यानी कंसिडरेशन वो कमर्शियल चीज़ है, वो थिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट से चाहिए। आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये आपकी वजह है, आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉलेज के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपको कंसिडरेशन मिल रही है क्लासेस, कॉलेज को कंसिडरेशन मिल रहे हैं पैसे। तो बेसिकली कॉलेज इसलिए एंटर हुआ कि कॉलेज आपसे फ़ी अर्न कर सके, आप इसलिए एंटर हुए कि आप कॉलेज से उनकी पढ़ाई ले सकें, उनसे सर्विसेज ले सकें। तो कॉलेज आपको सर्विसेज दे रहा है और आप कॉलेज को पैसे दे रहे हैं, तो आपके लिए वजह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की है तालीम, और हमारे लिए वजह पैसे। तो देखिए आपकी कितनी मुकद्दस वजह और हमारी कितनी गंदी वजह है, कि हमारी कंसिडरेशन है पैसे जैसी गलत चीज़ और आप तालीम जैसी आला चीज़। ये और बात है कि इस वक्त पैसे आपके पास हैं और तालीम हमारे पास है, तो हम अपनी अच्छी चीज़ आपको दे रहे हैं और आप अपनी ख़राब चीज़ जो है वो उठा के हमें दे रहे हैं। तो कितना घाटे का सौदा किया हमने आपसे कि हमने तालीम जैसी कीमती चीज़ आपके हवाले कर दी और आपसे जो है वो पैसे पकड़ लिए। तो कंसिडरेशन वो कमर्शल वजह है जो कॉन्ट्रैक्ट में है। तो अगर दो दोस्तों के दरमियान एक प्रॉमिस है और कोई कमर्शियल वजह नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, कानून की ज़बान में वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस में कमर्शियल वजह होनी चाहिए। कंसिडरेशन वो कमर्शियल वजह है, हर बंदे को दूसरे सामने वाले बंदे से जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। तो हमने ये तय किया कि प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ऐसा क्या ऐड करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें। अच्छा, ये लीगल बाइंडिंग में आइंदा कभी भी नहीं पूछूंगा, लेकिन आज पहली दफ़ा पूछने की कोशिश करूंगा, ये लीगल बाइंडिंग कैसे बनती है? एक कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी वो शेकें कैसे ऐड होती हैं, कैसे वो कानूनी तौर पे बाइंडिंग हो जाता है? गवाह अगर आ जाए बीच में, कोई लिखत पढ़त हो जाए, कोई स्टाम्प पेपर वगैरह हो जाए, कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लें, किसी अथॉरिटी के पास जाके उसको रजिस्टर करवा दिया जाए, तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ों से कॉन्ट्रैक्ट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है। बट ऑनवर्ड हम अपने सिलेबस में हमेशा एज्यूम करेंगे कि लीगल बाइंडिंग है। यानी मैं एग्जाम्पल दूंगा, ए ने बी के साथ फलाना किया, तो आप ये नहीं पूछेंगे सर गवाह थे या नहीं थे, सर स्टाम्प पेपर साइन हुआ था या नहीं हुआ था। हम हमेशा एज्यूम किया करेंगे कि वो चीज़ें पीछे हैं। तो आज सिर्फ पहली दफ़ा हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि लीगल बाइंडिंग का मतलब है कोई कानूनी उसमें ऐड कर दिया, कोई फिक्रा ऐड कर दिया, कोई कसम उठवा ली, कोई गवाह वगैरह कर लिए, कोई राइटिंग में चीज़ें एग्री कर ली, तो ये इस तरह का मामला। कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक ऐसा एग्रीमेंट वो जो कि बाइंडिंग है। ये जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ऑफर हैं, जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये एक्सप्रेस का क्या मतलब है? जो ओरल में कह दें या रिटन में। एक्सप्रेस जो अल्फाज में जाहिर हो, बोल के किया जाए या लिख के किया जाए, तो हम कहेंगे वो एक्सप्रेस है। तो इम्प्लाइड क्या है साथ वाले भाई? इम्प्लाइड क्या है? बाय कंडक्ट ऑफ पर्सन। बोल के लिख के नहीं, एक्शन से साबित हो, एक बंदे के कंडक्ट से नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से। तो ये जो ये वाला पेज है जिसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, इसके फार्मूले और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने घर जाके पढ़ा, मुझे बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन?
कोई बात जो नहीं समझ आ रही, कोई सेंटेंस जो नहीं समझ आ रहा, कोई लाइन जो नहीं समझ आ रही। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ये सारी बातें क्लियर हैं। फिर डेफिनेशन आपने देखी, एग्रीमेंट सेट ऑफ प्रोमिसज है। एक प्रॉमिस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा प्रोमिस भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हो। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्लियर है, प्रॉमिस की डेफिनेशन क्लियर है। जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो मिल के क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियर है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जिसको अदालत में ले जाया जा सकता है, ऐसा एग्रीमेंट जिसको सामने लाया जा सकता है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इस तरह से बात की जा सकती है, तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफर की डेफिनेशन थोड़ी तकलीफ दे थी। ऑफर में हमने कहा था कि जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस शो करता है, अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं ऐसा नहीं करूँगा, विद अ व्यू, इस इरादे से कि वो दूसरे से कंफर्म कर सके कि हाँ भाई क्या तुम्हें को मसला तो नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, इस इरादे से दूसरे को बताए ताकि दूसरे से वो उस पर एक्नॉलेजमेंट ले, कन्फर्मेशन ले उसकी रजामंदी की, कि वो उस पर हाँ कहे, वो उसको ओके करे। तो इस चीज़ को प्रॉपरली जब वो उससे एक्नॉलेजमेंट ले रहा है, जब इस इरादे से उसको बता रहा है, इसको हम ऑफर कहते हैं। ऑफर के लिए एक दूसरा लफ्ज़ भी है, प्रपोजल। ऑफर देने वाले को ऑफरर या प्रपोजर कहते हैं, और जिसको ऑफर दी जा रही हो ऑफरी या प्रपोजी या प्रोमिजी, मतलब व्हाट्स एवर, आप प्रोमिसर कह दें, प्रपोजर कह दें, इसी तरह से प्रोमिजी कह दें, प्रपोजी कह दें, ऑफरी कह दें, तो वो आपने डबल ई एंड पे लगा के उसको ऑब्जेक्ट बना देना होता है। तो ऑफर की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी उसके अल्फाज में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। आइडियली डेफिनेशन को क्रैम करना है जी, क्लियर है, ठीक है। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े और ऑफर के एसेंशियल्स देखने की कोशिश की। ऑफर के एक असेंशियल था कि ऑफर अपने आप को नहीं की जा सकती। इसका क्या मतलब था भला, कम से कम टू पर्सन हो, एक ऑफरर हो एक ऑफरी हो, आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। फिर हमने कहा ऑफर सर्टेन और डेफिनेट हो, ये क्या चीज़ थी, ये सर्टेन और डेफिनेट क्या होता है, ठीक है जी। तो रेलिवेंट जिनसे मैंने पूछा उनकी आवाज़ तो आई नहीं, बाकी आवाज़ें आ गई जी, ठीक है आप बोलें, चलें आप दोबारा बोल लें। क्लियर कट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, अमाउंट पता लग रहा हो, चीज़ पता लग रही हो, साफ नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से है, कोई इबहाम ना हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, सुन के डाउट ना हो किसी भी किस्म का, तो इसको हम कहेंगे कि ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने रुपए में ये चीज़ है, ये इस तरह से है, यानी कि अमाउंट जो गुड्स है, सर्विस है, व्हाट्स एवर, बड़ा क्लियरली मैंशन हो, किसी किस्म की कोई उसमें परेशानी ना हो। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या जानते हैं, हमारी ऑफ बातें ऑफरी को सुनाई दें, दिखाई दें या समझ आनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट हो, वाकई ही उसने सुना हो, यानी हमें पता हो कि भाई हमारी बात अगले तक पहुंच गई। अगर हम खत से भेजें तो जब खत रिसीव होगा तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेट हो गई, और ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों तरह से कम्युनिकेट हो सकती है। एक्सप्रेस कैसे कम्युनिकेट होगी, आप कल आए थे, एक्सप्रेस कौन से दो तरीके से ऑफर कम्युनिकेट होगी, क्लियरली अपने वर्ड्स से अटर करें, हम बोलें दूसरे को सुनाई दे, ये चीज हमें पता लगना चाहिए कि अगले को हमारी ऑफर पहुंच गई, यानी कि जब हमें तसल्ली हो जाए कि हमारी ऑफर उस तक पहुंच गई, सुन ली उसने, तो ये तो सुनने वाली ऑफर है। लिखने वाली ऑफर, रिटर्न में हम उसको भेजें और उसको नज़र आना चाहिए, यानी ऑफर एक्सप्रेसली तब कम्युनिकेट होगी जब बोले हुए अल्फाज या लिखे हुए अल्फाज देखे जाएं या सुने जाएं। और इम्प्लाइड ऑफर कब कम्युनिकेट होगी, हमारे बिहेवियर से हम एक्शंस दिखाएंगे कुछ, बट उन एक्शंस का एक मतलब होना चाहिए जो उस बंदे को कम्युनिकेट भी हो, तो हम ये कहेंगे कि हम लोगों ने इम्प्लाइड तरीके से कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। ऑफर के अंदर डिस्कशन करते करते हमने कहा था कि ऑफर जो है वो ऑफर हो, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए।
अब ये इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर जो है वो कुछ रोशनी डालेंगे, ये इनविटेशन टू ऑफर क्या चीज़ होती है? ठीक है, जैसे मतलब आपने अपना बताया था कि अगर हमें एक वो पैर लगा दे कि फास्ट ट्रैक हम मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम वो एक इनविटेशन है, लेकिन अगर हम इस तरह कहेंगे सर आते पापी साहब फास्ट ट्रैक ये वाला बैज इतने रुपए में इस टाइम पे अगर इतना क्लियर, ठीक, तो इसका मतलब है ऑफर एक बड़ी सर्टन और डेफिनेट सी चीज़ है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है कि हम लोगों को ये बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि वी आर रेडी, आओ बैठो, कोई ना कोई बातचीत करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ तय करते हैं। तो जब लोगों को बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए, आइडिया दिया जाए कि हम रेडी हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम इस तरह से बातचीत के लिए रेडी हैं, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। एक रेस्टोरेंट जो है उसका टीवी पे आता है इश्तिहार ओपनिंग सून, तो वो एक इनविटेशन है। हाँ, रेस्टोरेंट अगर ओपन हुआ है और आप अंदर जाके बैठते हैं और आपको एक मेन्यू कार्ड ला के देते हैं जिसपे लिखा हुआ है कि कढ़ाई 2,000 रुपये की है, तो अब ये जो है ये इनविटेशन नहीं है, ये उन्होंने एक लिखी हुई ऑफर आपके सामने रख दी, आपको कबूल है तो आप वेटर को बुला के कढ़ाई मंगवा लें। अब वेटर को बुला के ना आपने कढ़ाई का रेट उससे पूछा, ना उससे पूछा कि इसमें बार्गेन होगी या नहीं होगी, आपने कहा कढ़ाई ले आओ, आपका ये बोलना आपकी एक्सेप्टेंस है, और उनका आपको मेन्यू कार्ड पकड़ाना है, उनका ऑफर है। तो अगर तो एक एक्सप्रेस तरीके से बताएं कि वो उनकी क्या ऑफर है, क्या चीज़ है, तो फिर वो ऑफर है। और अगर जस्ट वो एक इरादा हो के आए बैठे हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक, ऑफर में निगोसिएशन नहीं होती, ऑफर में अगर निगोसिएशन हो रही हो ना तो वो काउंटर ऑफर बन जाती है। लेकिन जो इनविटेशन टू ऑफर है उसका मकसद ही होता है आओ लेट्स निगोशिएट, लेट्स डिस्कस, और फिर कुछ फाइनल एग्री करें। इनविटेशन टू ऑफर में कोई कन्फ्यूजन? सबको क्लियर है, हर चीज़ समझ आ रही है? ऑफर कैसे कैसे लैप्स कर सकती है? कोई भाई अगर कोई से 5 बातें बताएं, ये वाले भाई कल आप आए थे? नहीं थे, कल आप एंड पे आए थे, आप तो पिछले दिन वाले कहाँ चले जाते हैं? नहीं, कहने का मतलब है कि वो बच्चे तकरीबन उतने ही हैं, कुछ नए चेहरे हैं और कुछ पुराने चेहरे जो है वो घबरा गए, वो मेरे ख्याल में वो कफन वाली बात पे उन्होंने कहा लो जी ये तो टीचर वाकई सिलेबस खत्म कराने के मूड में लग रहा है, भागो जी। ऑफर देने वाला खुद रेवोकेट कर दे उसे, ऑफरी एक्सप्रेसली इनकार कर दे, ना माने और कहे तुम्हारी ऑफर मुझे नहीं चाहिए, काउंटर ऑफर आ जाए, ऑफर के बदले कोई ऑफर आ जाए, गुड। डेथ या इंसैनिटी हो जाए ऑफरर की, ऑफर ने ऑफर दे दी लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही जो वो भाई साहब मर गए या वो पागल हो गए, टाइम लैप्स हो जाए, जो डिफाइंड टाइम है या वो लैप्स हो जाए, और अगर डिफाइंड ना हो रीजनेबल। अच्छा जी, जो रीजनेबल है ये फिर उस सिचुएशन के मुताबिक ना अदालत में फैसला जाएगा, अदालत सिचुएशन देखेगी और सिचुएशन के मुताबिक गहराइयों को समझते हुए ये तय करेगी कि रीजनेबल किसे कहते हैं। ये सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, ये सारी बात जो है वो हमें समझ आ गई। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल ऑफर, हमने कहा ऑफर में शर्त हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा दूसरे को ऑफर दे, फॉर एग्जांपल कॉलेज ने आपको ऑफर दी कि अगर आप हमें पूरी फीस जमा कराएं तो हम आपको किताब साथ में दे देंगे, कंडीशनल ऑफर। अब आपने पूरी फीस नहीं जमा कराई और उसके बाद कहा कि कॉलेज तो अपने वादे से मुकर गया, कॉलेज ने तो हमें किताब ही नहीं दी, तो कॉलेज कहेगा जी हमारी शर्त ये थी कि आप हमें पूरी फीस जमा कराएं, हम आपको किताब भी साथ में देंगे, एक एग्जांपल के तौर पे। तो ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं, ऑफर देने वाला कुछ शर्तें वो कर सकता है, अच्छा जी फलाना दिन तक आ जाओ तो वो ये अमाउंट आपको मिलेगी, फलाना दिन तक आ जाओ स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक आउट होने से पहले पहले परचेस कर लें, अक्सर कपड़ों की दुकानों वगैरह पे होता है। तो कई कभी कभी ऑफर में कुछ शर्त होती है, फिर ऑफर देने वाले को वो शर्त बड़ा वाजे तरीके से बतानी चाहिए ऑफरी को। तो ऑफर मे हैव सम कंडीशन, ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू के मतलब उसके अंडर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, और वो कंडीशन अगर हैं तो बतानी होंगी, अगर उन कंडीशन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऑफर एक्सेप्ट होगी। अगर एक बंदा आपकी ऑफर मान ले और कंडीशंस ना माने तो हम कहेंगे वो एक्सेप्टेंस सही वाली एक्सेप्टेंस नहीं है। जी, गुज़िश्ता लेक्चर से रिलेटेड किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल? अच्छी तरह से समझना है फिर आगे चलना है, हमारे सिर्फ 19 दिन रह गए। जी, ठीक है,
अगर ऑफरी को पता लग गया है कि उसकी डेथ हो गई है और ऑफरी ने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अब उसकी नज़र में ये ऑफर मर चुकी है। अब अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब है ये फ्रॉड करना चाह रहा है, ये जान के बेमानी करना चाह रहा है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 हमें गाइड करेगा कि फ्रॉड हो तो फ्रॉड के केस में मजलूम के पास क्या इख्तियार है। तो हम देखेंगे अगर एक बंदा फ्रॉड करना चाह रहा है तो फिर उसके जो वर्सा हैं उनके पास क्या इख्तियार होगा। तो नॉर्मल कानूनी तौर पर ऑफरर के मर जाने पर अगर तब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया था तो अब ये ऑफर ख़त्म हो चुकी है। अब ये ऑफर आप एक्सेप्ट कर भी लें तो वो एक इलीगल एक्टिविटी है। जी जी, डेथ होने से पहले ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए अब ऑफर देने वाले ने ऑफर दी, एक्सेप्ट करने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, इस वक्त तक दोनों साहब जिंदा थे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट से वापस निकला जा सकता है? चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनते तक की बातें। 6 से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे कि बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या ख़त्म किया जा सकता है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, अगर लीग अब दो पार्टीज होंगी, एक ये बंदा और दूसरी पार्टी होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो जो उसके वर्सा हैं। अब वर्सा और ये अगर आपस में बैठ के तय करें कि छोड़ो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कंप्लीट करते, इसको खुद ही से वापस ले लेते हैं, तो वो मिल के ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमने आगे एक्सप्रेसली पढ़नी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, अभी तक हमारा सारा जोर है कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, बना या नहीं बना। फिर आगे चल के पढ़ेंगे अगले वाले उसमें पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीक में हमारी जो डिस्कशन हो रही होगी वो ये हो रही होगी कि बन चुका है तो अब उसके बाद क्या होगा। जी, आज इंतज़ामिया ने घड़ी लगा दी, स्टेप 1 पूरा हो गया, बस सिर्फ 1 घंटे पीछे है, कोई बात नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि मैंने कहा मिनट्स कम से कम पूरे हैं, मिनट्स पूरे हैं, बस सिर्फ 1 घंटे से घड़ी आउट है, तो इस घड़ी के मुताबिक हमने 5:15 तक पढ़ना है, ठीक है। ये घड़ी जो है इस पर चलें। जी, सारी बात हमें समझ आ गई। अब मेरा अगला सवाल, कितना टाइम लगा लिखने पे, मैं सैंपल पे 4-5 लोगों से पूछना चाहूँगा, कितना टाइम लगा लिखने पे? 1 घंटा 1.5 घंटा लगा। कितना टाइम लगा? इतना ही टाइम लगा। कितना टाइम लगा? आधा घंटा। साफ लिख रहे हैं ना, मतलब लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं सही है, मतलब मुझे आइडिया है, असल में हर बंदे की अपनी अपनी राइटिंग स्पीड भी होती है। लिखा आपने, कितना टाइम लगा? सवा घंटा। अच्छा, मुझे ज़रा सही से बताइएगा, लिखने के बाद जब आपने उसे देखा तो कंफर्ट कैसी थी? क्या उसको देख के दोबारा बहुत अजनबी सी फील तो नहीं आई कि ये क्या लिखा हुआ है? फिर लिखने के बाद क्या उसे 3 घंटे रटा मारना पड़ा? लिखते लिखते मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि लिखना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। मैंने पहले दिन भी बताया था कि जब आप घर जाके पढ़ते हैं ना, जब किताब पढ़ते हैं तो जहन में फेसबुक की नोटिफिकेशंस भी आ रही होती हैं, जहन में जो है वो PSL क्यों फलाना टीम हार गई थी वो आ रहा होता है, इस दफ़ा कौन सा प्लेयर कितने में बिका, मतलब ना दिमाग इधर उधर बिखरा हुआ होता है, सामने सिर्फ स्क्रीन होती है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन जब आपको कहा जाए ना कि आपने लिखना है, तो अब आपका दिमाग बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ता है, इंतहाई जिम्मेदारी से उसको यहाँ लिखता है। तो एक दफ़ा पढ़ेगा, एक दफ़ा जहन में दोहराएगा, एक दफ़ा लिखते हुए हाथ से गुजरेगा, अपना लिखा हुआ खुद से पढ़ेंगे और उधर से दोबारा कंफर्म करेंगे, तो आप एक जुमला 4-5 दफ़ा पढ़ रहे होंगे और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। इससे क्या होगा, जब आपने इतने फोकस से पढ़ के लिखा है तो नंबर 1 चूँकि आपने बड़े ध्यान से पढ़ा, और नंबर 2 आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिख लिया जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ है, आपको अपनी हैंड राइटिंग दूर से पहचानी जाती है, और ये सारी कंप्यूटराइज किताबें आपके इर्द गिर्द हर तरफ कंप्यूटर वाली किताबें हैं, वही सारी जो टाइपिंग शाइपिंग हुई हुई हैं, तो उन सारी किताबों में ना अपनी लिखाई की अक्स ही डिफरेंट है। ये जहन में जल्दी बैठता है और देर तक बैठा रहता है, यानी कि 2 मसले हैं। लोग कहते हैं लॉ जल्दी याद नहीं होता, फिर दूसरा मसला याद हो जाता है भूल जल्दी जाता है। तो रजिस्टर वाले से याद भी जल्दी होगा, रहेगा भी देर तक, एंड बाय द एंड ऑफ सेशन आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि ये एक रजिस्टर है, बस मैंने ये उठा के दोहराना होता है। तो हर दिन लिखने वाला काम लाजमी करें। जिस दिन आपने लिखने वाला काम छोड़ दिया उस दिन इसका मतलब आपने टारगेट पूरा नहीं किया। 2-4 घंटे का जो मैंने आपको टाइम बताया है वो बशमूल लिखने के, अगर इसमें लिखना ना होता तो आप तो घर जाके आधे घंटे में देख दिखा के साइड पे कर देते, वो फिर दिमाग से भी ऐसी साइड पे हो जाता। तो ये लिखने की वजह से मैं ये इसको 2-4 घंटे कहता हूँ, और मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ही खुला डुला मार्जिन रखा है। तो अगर एक दिन आपको लिखने में कम टाइम लगा तो हो सकता है चलो आगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट एक दिन तो गुजर गया ना, अब सिर्फ 19 वर्किंग डेज रह गए। हाँ, आज वाले में तो हम हैं, यानी आज से ऑनवर्ड,
यानी अभी आज वाले दिन की तो मुशक्कत होनी है ना, घर जाके जब पढ़ना है लिखना है उसको, तो क्या ऑफर और ऑफर की सारी बातें समझ आ रही हैं? हाँ जी, अब थोड़ा सा इससे आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं, एक्सेप्टेंस पे बातें करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफर की तरह बहुत तकलीफदेह डेफिनेशन नहीं है। जब एक बंदे को ऑफर दी जाए और वो उस ऑफर को मान ले तो एक्सेप्टेंस है। ऑफर में तो हमने कहा ना, जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे को यूं बात करता है कि वो इरादा यूं करके ऐसे करके वैसे हो जाए, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी थी। एक्सेप्टेंस की कहानी बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सी आसान सी है कि जब बंदा जिसको प्रपोजल दिया गया है वो सिग्निफाई कर दे हिज एक्सेंट टू इट, जब वो ओके कर दे, कंफर्म कर दे अपनी रजामंदी, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। समहाउ प्रॉमिस के बीच में भी हमने इस तरह की बात की थी। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आसान डेफिनेशन है, जब वो बंदा जिसको प्रपोजल दिया गया था यानी ऑफरी, सिग्निफाइज हिज एसेंट, अपनी रजामंदी दे देता है, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, माना जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्लियर है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या हैं? कुछ बातें हैं जो कि छोटी छोटी सी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल। ए ने बी से कहा, ए बी बना ही देते हैं, बार बार तो काम आते हैं बेचारे, ए ने बी से कल क्या कहा था, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और बी से क्या चाहिए था जी, 1 kg ऑरेंजेस। ठीक है जी, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ए ने बी से कहा कि मैं आपको अगर 100 रुपये दूं तो क्या आप मुझे 1 kg ऑरेंजेस देंगे? अब बी ने कहा हाँ, अगर उस दिन अच्छा मूड हुआ तो मे बी, या हाँ शायद देख लेते हैं, मैं सोचता हूँ। ये एक्सेप्टेंस है? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस कब होगी? हाँ जी, जो आपने कह दिया मुझे कबूल है। जब एक बंदा दूसरे की बात को बआईनी ही वैसे ही मान ले, प्योर उर्दू में बआईनी ही का मतलब है हूबहू वैसा ही, 100%। ऑफर देने वाले ने जो एग्जैक्ट ऑफर दी है, अगर एक्सेप्ट करने वाला 100% उसकी सारी बात को एब्सोल्युटली मान ले कि बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये कहलाएगी एक्सेप्टेंस। अगर वो एक्सेप्ट करते हुए अपनी को वैरायटी करा दे, कि आपकी बात अच्छी तो लगी, 10 रुपये और हो जाते तो क्या ही बात थी, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में कोई नई शर्त नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस कहेंगे ही तब जब वो बिल्कुल 100% जो बात हुई है सेम एज इट इज उसको फॉलो कर रहे हो। तो यहां पे एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हो। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज ऑन एक्सेप्टेंस देन इट वुड बी कॉल्ड काउंटर ऑफर। ये बात समझ आई? आज आप सोच रहे होंगे कि लिखा हुआ कम है तो हम टाइम कैसे गुजारेंगे। आज जो लिखी हुई चीज़ है उसमें कुछ टेक्निकल डिस्कशन है बड़ी हैवी किस्म की, तो उस पर हमारा इंशाल्लाह ताला टाइम गुजरेगा। ये वाली बात हमें समझ आ गई। एक्सेप्टेंस, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक्सेप्टेंस कितने टाइम में होनी चाहिए? इसका जवाब ये बनता है कि सर पहले ये बताएं कि क्या ऑफर देने वाले ने कोई टाइम बताया है? ऑफर देने वाले ने कहा मुझे 3 दिन में एक्सेप्टेंस चाहिए, तो अब वर्ड रीजनेबल तो साइड भी हो जाएगा ना। तो एक्सेप्टेंस उस डिफाइंड टाइम में होनी चाहिए जो बताई जाए, और अगर कोई टाइम ना बताया जाए रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस किस मोड में होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस बताएं? जो उसने बताया, उसने कहा जी मैं तुम्हें ये खत लिख के बता रहा हूँ, तुमने खत से जवाब दे देना है। तो अगर एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मुझे खत में जवाब चाहिए और वो खत में जवाब ना दे दूसरा बंदा, तो फिर वो सही एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, आपने उसे कहा मुझे खत में जवाब देना, उसने आपको फ़ोन कर दिया, अब आपको उसे बताना होगा कि देखो तुम्हारी एक्सेप्टेंस सही नहीं है, लेकिन इंसिस्ट करना होगा क्योंकि वो तो भोला आदमी सोच रहा है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। आपने उसको इंसिस्ट करना है कि देखो ये चीज़ ऐसे नहीं है, मुझे सही से एक्सेप्टेंस दो। अगर आप उसको जिद नहीं करेंगे और उसकी बात को मुस्कुरा के सुन लेंगे तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी।
यानी एक्सेप्टेंस जिस मॉड में आपने कही है उस मॉड में होनी चाहिए। अगर उस मॉड उस तरीके से ना हो तो ज़रूर एक दफ़ा इंसिस्ट करेंगे मुझे उसी मॉड में एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आप खामोश हैं और आप इंसिस्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाएगा एक्सेप्टेंस हो गई। तो एक्सेप्टेंस का मॉड डिफाइंड हो तो उस तरह, ना डिफाइंड हो तो फिर किस मॉड में हो। एक बंदे ने ऑफर दी दूसरे को, नहीं बताया कि एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, तो किस तरीके से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो जिस मॉड में ऑफर हुई है या जो उस वक्त। अब एक बंदे ने बोल के कहा है कि हाँ भाई मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा तुम 1 kg ऑरेंजेस दोगे, तो अगर वो ना भी बताए तो ये नॉर्मली अज्यूम्ड है कि आपने बोल के ही जवाब देना है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोल के जवाब दें तो कहे यार ये क्या बात है तुमने मुझे खत क्यों नहीं लिखा, तो आप कहेंगे यार देखो तुमने कौन सा खत भी मेरे से ऑफर मुझे दी थी, तुमने बोल के ऑफर दी है, मैं बोल के एक्सेप्टेंस दे दी। तो एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए जो बताया गया हो, और अगर कोई ना बताया गया हो तो रीजनेबल। एक्सेप्टेंस उस टाइम में होनी चाहिए जो बताया गया हो, और अगर कोई ना बताया गया हो तो रीजनेबल मोड। अब ये वाली बात को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड। पहली बात ये कि एक्सेप्टेंस जो है वो शुड बी मेड इन मैनर स्पेसिफाइड, जो मैनर स्पेसिफाइड है उसमें होना चाहिए। वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन यूजुअल मैनर। जहाँ मॉड ना बताया गया हो तो जो अमूमी तरीका है एक्सेप्ट करने का जो भी उस मार्केट में चलता है, हर जगह अलग अलग तरीका है ना। शायद कॉलेज की एक्सेप्टेंस ये है कि उन्होंने एक फॉर्म से साइन करके रख ली और आपकी एंट्री कर दी और आपको किताब पकड़ा दी। शायद इनके लिए मॉड ऑफ एक्सेप्टेंस ये है कि हाँ भाई आपका हमने एडमिशन प्रोसेस कर लिया। तो जहाँ पे भी जो मॉड चल रहा है वो उस मॉड में हो, नहीं तो स्पेसिफाइड मॉड में हो। इफ़ एक्सेप्टेंस नॉट मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन प्रपोजल ऑफरर शैल इंसिस्ट फॉर दैट। अगर एक्सेप्टेंस उस मोड में नहीं है जो बताई गई थी तो फिर ऑफर को क्या चाहिए, जिद करे, कहे कि नहीं भाई मुझे उसी मोड में चाहिए। इफ़ ही फेल्स टू इंसिस्ट, अगर वो इंसिस्ट नहीं करता रीजनेबल टाइम के अंदर, देन इट इज़ डीम्ड, ये लॉ का लफ्ज है डीम्ड, जैसे सीम होता है ना या सीम्ड होता है, सीम ऐसा दिखता है, तो डीम ऐसा माना जाएगा। कानून में जब भी लफ्ज आपको नजर आए ना डीम, डी डब्ल्यू एम, या डीम्ड या इसका कोई भी एक्सटेंडेड फॉर्म, तो डीम का मतलब है समझा जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस जो है अगर आपने इंसिस्ट नहीं किया रीजनेबल टाइम के अंदर तो इट इज़ डीम्ड, ये समझा जाएगा या तसव्वुर किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा दैट ही हैज एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। फिर आखिरी लाइन तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर ख़त्म होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, तो बड़ी क्लियर कट सी बात है। अब एक्सेप्टेंस से रिलेटेड एक बड़ी मज़ेदार बात, जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि बात हो क्या रही है। दोबारा सुने, जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि बात क्या हो रही है। मिस्टर ए का बटवा गुम हो गया, मिस्टर ए ने मोहल्ले में ऐलान करा दिया है कि जो मेरा बटवा ढूंढ के लेके आएगा उसको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। जो मेरा बटवा ढूंढ के लेके आएगा उसको 10,000 इनाम मिलेगा। ऐसे में जो है वो इसका एक दोस्त जो कि इसको जानता है, उसने इसका बटवा भी देखा हुआ है, एक दिन उसको अपने घर में इसका बटवा पड़ा हुआ मिला। उसने सुना ही नहीं था इसकी ये अनाउंसमेंट। वो भाई साहब बटवा लेके इसके पास आए और कहा यार ये तुम मेरे पास भूल गए थे। दोस्त ने शुक्रिया कह के इसे गले लगाया, बटवा लिया और उसके बाद ये चलता बना। ये रास्ते में जा रहा था कि इसको किसी बंदे ने बताया कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा वो उसका बटवा मेरे पास पड़ा था, वो देने गया था। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता, उसने तो अनाउंसमेंट की हुई है जो बटवा लेके आएगा उसको 10,000 मिलेगा। अब क्या ये 10,000 के लिए एलिजिबल है? नहीं। क्यों? उस तक ऑफर पहुंची नहीं थी, याद है ऑफर कम्युनिकेट हुई हो तो आपने, इसने जो हरकत की वो तकरीबन एक्सेप्टेंस थी। यानी उसने कहा था ना जो बटवा ढूंढ के लाके देगा, यानी उसने कह दिया था जो ये एक्शन करेगा मैं वो उसको एक्सेप्टेंस मान लेगा। तो जो भी दुनिया में उसकी ऑफर सुन के बैठा हो और वो बटवा ढूंढ के लाके देगा, उसका बटवा ढूंढ के लाके इसे हैंड ओवर करना वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। बट ये शख्स जिसने वो ऑफर सुनी ही नहीं, इसकी ये हरकत एक दोस्त की दूसरे दोस्त पे की गई मेहरबानी काउंट होगी, एक्सेप्टेंस नहीं काउंट होगी। तो रूल क्या हुआ, एक्सेप्टर शुड बी अवेयर ऑफ द ऑफर। आपने, आपको पता हो
एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के वक्त आपको पता हो कि ऑफर क्या है. रिकैप कर लेते हैं. हमने एक शर्त पढ़ी, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए. क्लियर है? एब्सोल्यूट हो, कंडीशन कोई ना हो, कोई डाउट ना हो. अगर कोई कंडीशन डाल दी तो ये बन जाएगी काउंटर ऑफर. फिर हम थोड़ा सा नीचे आए और हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में होनी चाहिए. अगर मॉड बताया हो तो उसमें हो, नहीं बताया हो तो जो यूजुअल मैनर उस जगह चलता है वो हो. अगर आप एक्सेप्टेंस उस मॉड में ना हो तो फिर आपको ऑफरर को इंसिस्ट करना चाहिए, और अगर वो इंसिस्ट नहीं करेगा तो समझा जाएगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया. फिर हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस जो है वो बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर होनी चाहिए. ऑफर ख़त्म होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. बात हमें गुज़िश्ता कल से पता थी. एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के वक्त पता होना चाहिए उसे कि ऑफर क्या है. ये सारी बातें समझ आ रही हैं? अब इसमें एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बातें रह गई. कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, थोड़ा सा पुराने ज़माने की तरफ चलते हैं. मुझे बताएं, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होनी चाहिए, इम्प्लाइड होनी चाहिए? दोनों तरह से हो सकती है. ऑफर भी, प्रॉमिस भी, एग्रीमेंट भी, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी. तो बोल के भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है, एक्शन से भी हो सकती है. अगर उसने बताया है कोई तरीका तो फिर उस तरीके से होनी चाहिए, और अगर उसने कुछ नहीं बताया तो जो भी यूजुअल मैनर चलता है उस तरह से होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस नेगेटिव कन्फर्मेशन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या है? नेगेटिव कन्फर्मेशन ये है कि आपने कॉलेज को आके कहा कि जी मैंने एडमिशन लेना है और मैं इससे पहले भी इसी कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, तो अब मैंने एडमिशन लेना है, मैं आपको रिकॉर्ड ला के दिखाऊँगा तो उससे साबित हो जाएगा मैं इसी कॉलेज में पढ़ा था, तो फिर आपने मुझे जो है वो एक सब्जेक्ट पे डिस्काउंट देना है क्योंकि मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ. कॉलेज ने कहा अच्छा, अगर आप 3 दिन तक हमें ये साबित कर सके कि आप हमारे स्टूडेंट हैं किसी कागज़ से, तो आपकी बात हम मान लेंगे. लेकिन अगर 3 दिन तक आपने कुछ ना बताया तो हम ये एज्यूम करेंगे कि आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं. इस हरकत को नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं. यानी अगर एक बंदा कुछ दिनों तक एक ख़ास काम ना कर सके तो आप ऑटोमेटिकली अगर एज्यूम कर लें कि उसका जवाब ये है, तो ये नेगेटिव कन्फर्मेशन कहलाती है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया है, वो कहते हैं यहाँ नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए. ए ने बी से कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा तो क्या आप मुझे 1 kg ऑरेंजेस देंगे, और देखिए अगर आप खामोश रहे तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि आपको मेरी ऑफर कबूल है, और ये कह के अगली डेडी पे चला गया. और थोड़ी देर बाद आया और इसको 100 रुपये दे के इससे ऑरेंजेस उठाने की कोशिश की. उसने कहा जी ये क्या है? उसने कहा मैंने आपको कहा नहीं था कि अगर आपने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी तरफ से हाँ है. तो जो खामोशी नीम रजामंदी वाली बात है कि एक बंदे को आपने एक बात की और वो खामोश है, तो खामोशी का मतलब ना तो ले सकते हैं, हाँ नहीं लेना. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना, बड़ा एब्सोल्यूट होना चाहिए, बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, कोई डाउट ना हो. आपने एक बंदे को ऑफर दी हुई है, वो खामोश है, तो उसकी खामोशी को आप यस कंसिडर नहीं करेंगे. ये नेगेटिव कन्फर्मेशन कहलाती है. इस कॉन्सेप्ट को नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं कि एक बंदा चुप है और आप समझ रहे हैं कि उसने ओके कर दिया. इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? नेगेटिव कन्फर्मेशन. कि एक बंदा आपकी बात पे खामोश है और आप उसकी खामोशी, मतलब आपने एक दोस्त से कहा कि यार वो हम ना कल चल के क्रिकेट खेलेंगे, अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ना आया शाम तक तो मैं समझूंगा कि तुम रेडी हो, मैं अगले दिन तुम्हें लेने आ जाऊंगा. तो दोस्ती यारी में इस तरह से चलता है कि ठीक है अगर तुमने कोई जवाब ना दिया तो मैं ऑटोमेटिकली अज्यूम करूंगा. जैसे क्लास में हो सकता है कि मैं आऊं, मैं आपसे कहूं हाँ भाई पिछले दिन का कोई सवाल, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, तो मैं ऑटो पे क्या अज्यूम करूंगा, आपको सब आता है. ठीक है, हो सकता है आप में से 2 लोग पढ़ के ना आए हो, और उनका सवाल ना आने का ये मतलब नहीं कि उन्हें आता है. उनका सवाल इसलिए नहीं आया कि वो पढ़ के नहीं आए. बट नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या है? खामोशी को मैं कोई मतलब दे दूं, खामोशी का मैं एक मानी निकाल लूं. तो अगर आप खामोश हैं और मैं उसका एक मतलब निकाल लूं तो ये कहलाता है नेगेटिव कन्फर्मेशन. ये फिनोमेना डेली लाइफ में बहुत एग्जिस्ट करता है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर दिया. इन्होंने कहा ऑफर या एक्सेप्टेंस नेगेटिव कन्फर्मेशन फॉर्म में
नहीं होनी चाहिए। यानी अगर एक बंदा दूसरे को ऑफर दे तो दूसरा या तो मुंह पे इनकार कर दे या मुंह पे इकरार कर दे। अगर वो खामोश है तो खामोशी का मतलब इनकार कंसिडर कर सकते हैं, इकरार कंसिडर नहीं करना। ठीक, तो यहां खामोशी नीम रजामंदी हरगिज नहीं है। इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन की मोड में नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है, यानी कि दैट इज इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम, अगर एक खास टाइम तक एक्सेप्ट ना हुआ देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। ये ऊपर वाला जुमला बाद में पढ़े, पहले नीचे वाला जुमला पढ़ते हैं। पहले वो बता रहे हैं नेगेटिव कंफर्मेशन कहते हैं कैसे हैं। इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अगर एक खास टाइम तक जवाब ना आया तो आप एज्यूम करें कि सब ओके है। इस फिनोमेना को कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। और ऊपर उन्होंने कहा खबरदार, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, ये नेगेटिव कंफर्मेशन जो हमने यहां बताई है ये चीज ऑफर एक्सेप्टेंस वाली साइकिल में नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आई। कम्युनिकेशन से रिलेटेड फिर पुराने जुमले, एक्सेप्टेंस मे बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफर वर्ड स्पोकन या रिटन और थ्रू कंडक्ट से भी हो सकते हैं। ये सारी बातें आप पढ़ते जा रहे हैं। अब खतों की बात करते हैं। यहां तक किसी किस्म का कोई सवाल है तो बताएं। अब आगे हम इस चैप्टर की टेक्निकल डिस्कशन करने लगे हैं। सब ओके? 150 साल पीछे चलते हैं। व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल भी नहीं था, टेलीफोन होते थे बड़े सिलेक्टेड जगह पे, और तार होती थी। तार कि जी जल्दी से पैगाम देना है तो तार करा दें। तार कैसे कहते हैं? फैक्स। जिसको फैक्स हम आज के ज़माने में कहते हैं ना, उसको पुराने ज़माने में तार कहा जाता था। अच्छा, अब अगर आपने कोई ऑफर कहीं भेजनी होती थी तो आप एक कासिद को ख़त भेजते थे। कासिद वो ख़त लेके और 7-8-10 दिन का फासला तय करके दूसरी जगह पहुँच के वहाँ पर वो ख़त देता था। और कभी कभी आप समंदर पार भी ख़त भिजवाते थे, तो पहले घोड़े से वो बहरी जहाज तक पहुंचता था खत, फिर बहरी जहाज अपने 10-15-20-25 दिन का सफ़र करके दूसरी जगह पहुंचता था और वहां जाके खत फिर दोबारा से एक फासला तय करके बंदे तक पहुंचता था। तो उस ज़माने में दिल भी बड़े रखने होते थे। ऑफर भेज दिया है तो 45 दिन बाद तो ऑफर ने पहुँचना है, फिर उस बंदे ने देखना है, फिर उसने स्टॉक का पता करना है अपने आसपास वालों से, उसमें 10-12 दिन लग जाएंगे, फिर उसने खत का जवाब देना है, फिर खत का जवाब आपको वापस आते आते 45 दिन लग जाएंगे। तो ऑफर भेजने के बाद आपको 3-4-4-5 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन्स हो जाती थी। आपने ऑफर दी उस तक नहीं पहुँची कोई मसला नहीं, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस दे दी और आप तक नहीं पहुँची और दरमियान में है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती थी। भला क्यों? ए और बी की बात करते हैं, इस दफ़ा ज़रा बड़े आइटम्स में डील करते हैं। ऑरेंजेस तो बेचारे रास्ते में ख़राब हो जाएंगे। हम जो है वो आयरन मंगवाते हैं। ए ने बी को ऑफर दी 7 जुलाई को। वो ऑफर ये थी कि अगर मैं आपको ₹100,000 दूं, 150 साल पुरानी ऑफर है, तो अगर मैं आपको 1,00,000 रुपया दूं तो क्या आप मुझे 100 टन आयरन भेजेंगे? उस जमाने में ए ने बी को कहा कि अगर मैं 1,00,000 रुपया बरेसगीर की करेंसी आपको भेजूं तो क्या आप मुझे 100 टन आयरन भेजेंगे? 7 जुलाई को खत भेजा, खत पहुंचा 7 सितंबर को। बी ने खत देखा, ए ने 1,00,000 रुपए देने का वादा किया है, इसने सोचा कि 1,00,000 आज का क्या रेट है हमारा लोहे का, उसने कहा तो बड़ा मजे की डील है। यानी ये लोग वहाँ पे बेचते थे शायद उस तरह का 90,000 रुपये में उतना टन, तो वो भाई साहब ने तो 1,00,000 रुपये की ऑफ़र कर दी। ए बी हो गया बड़ा एक्साइटेड,
बी ने फौरन से अपने स्टाफ वालों से कहा कि यार इतना लोहा ज़रा साइड पे कर दो, हमने ए के लिए ऑर्डर तैयार रखना है, मैं ए को एक्सेप्टेंस भेजने लगा हूँ। तो स्टाफ वालों ने कहा सर इस वक्त शॉर्ट है, उसने कहा अच्छा चलो फलाना जगह से परचेज़ कर लो, फलाना जगह से परचेज़ कर लो। जब उसके पास शॉर्ट टर्न स्टॉक आ गया 4-5 दिन के अंदर, तो उसने क्या किया, 15 सितंबर को खत का जवाब रवाना कर दिया। सोलह नवंबर को ए को खत पहुंचना था, इसने 15 सितंबर को जवाब भेज दिया। तो 15 सितंबर को उसने स्टॉक साइड पे कर दिया, ये रेडी बैठा हुआ है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसका खत देर से पहुंचेगा, जब पहुंचेगा उसके बाद ये सामान चला देगा। तो गौर से देखें तो बी तो अपनी तरफ से ये सोच के बैठा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। इन्हें बी से पूछा था 1,00,000 रुपए में क्या तुम मुझे 100 टन भेजोगे, बी ने मान लिया, खत भी रवाना कर दिया, स्टॉक भी इकट्ठा करके रख लिया, परचेजिंग भी करके रख ली। अब ये बी मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन ए को तो पता ही नहीं है। ए को पता लगेगा जब खत पहुंचेगा 16 नवंबर को। अगर 14 नवंबर को ए ने किसी और को पैसे दे के उससे आयरन पकड़ लिया तो बी का क्या कसूर है, मामला नाजुक, खतरनाक मराहल में दाखिल हो चुका है। ए बी को खत, अब खत वाला जमाना है ना, तो इसमें तो ये कन्फ्यूजन आएंगी। तो ए भाई साहब ने खत भेज दिया, ए ने ऑफर भेजी है 7 जुलाई को, ऑफर पहुंची कब है, यहाँ लिख भी देते हैं कि ए ने जो भेजी है ये है ऑफर, और बी जो भेज रहा है वो एक्सेप्टेंस है। अब ए की ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है 7 सितंबर को, याद है जिस दिन खत पहुंचता है, और बी ने एक्सेप्टेंस रवाना कर दी है 15 सितंबर को। बट सिर्फ रवाना ही नहीं की है, एक्सेप्टेंस रवाना करने का मतलब है जिम्मेदारी। उसकी ऑफर क्या थी वो आपको पता लग गई, ज्यादा से ज्यादा आपका जवाब उस तक पहुंचना है ना, पहुंच जाएगा। जब मेरा जवाब पहुंचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हुआ हुआ है, और जो जवाब दे रहा है उसको तो पता है कि मेरा जवाब हाँ है। तो ये भाई साहब तो 15 सितंबर के दिन ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ए अगर बीच में फिसल गया तो बी बेचारे का क्या कसूर, एक असूलन रीजनेबल टाइम इंतजार तो करना चाहिए था। जब उसने खत भेजा और खत 2 महीने ले रहा है, और खत की प्रोसेसिंग का भी एक टाइम है, फिर जवाब देने का एक टाइम है, फिर जवाब के पहुंचने का एक टाइम है, तो ए ने बड़ा जुल्म किया कि बीच में किसी के साथ डील कर लिया। तो कानून बड़ा मजेदार सा रूल बताता है, वो कहता है कि अगर खत से एक्सेप्टेंस रवाना हो तो जिस दिन एक्सेप्टेंस, यहाँ पे लाल रंग है नहीं है, जिस दिन एक्सेप्टेंस रवाना हो, जिस दिन एक्सेप्टेंस रवाना हो उस दिन ए बाउंड हो जाएगा। ए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट उस दिन नहीं हुआ जब ए को खत वापस मिला एक्सेप्टेंस का। कानूनी एतबार से ए के लिहाज से 15 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की डेट है। कानूनी एतबार से ए, चाहे उसे खत अभी मिला नहीं है, वो 15 सितंबर को बाउंड हो जाएगा उस एक्सेप्टेंस के ऊपर। अब 15 सितंबर के बाद अगर वो किसी और के साथ डील करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। ये खतों वाला ज़माना था, इसमें ये कन्फ्यूजन होती थी, तो लॉ ने अजीब सा एक रूल रख दिया, खत पहुंचने पे कम्युनिकेशन नहीं होगी, खत रवाना होने पे कम्युनिकेशन हो जाएगी। ए की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस दिन होगी जब खत रवाना होगा, है ना अजीब सी बात। अच्छा मज़े की बात है, ए को पता कब चलेगा कि एक्सेप्टेंस हुई है, 16 नवंबर को। तो बीच में अगर एक्सेप्टेंस कहीं डूब जाती है, या ए को कभी भी नहीं पता लगता एक्सेप्टेंस के बारे में, तो बी बाउंड है क्योंकि ए को तो पता ही नहीं है। तो बी किस दिन बाउंड होगा, 16 नवंबर। तो ये एक डायगनल बनेगा, ए बाउंड होगा जब ये खत रवाना करेगा, और बी बाउंड होगा जब खत पहुंच जाएगा, बी उस दिन बाउंड होगा।
तो खतों की दुनिया में एक ऑपोजिट रूल, कौन किस दिन बाउंड होगा और कौन किस दिन बाउंड होगा, ये जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए हम उस वक्त ब्रेक पे जा सकते हैं। यानी ब्रेक पे जाने की मोटिवेशन जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर ए और बी दोनों के नज़दीक ऑफर उस दिन कम्युनिकेट हुई है जब खत पहुंचा है, ऐसे ही है, ऑफर में कोई परेशानी नहीं है। एक्सेप्टेंस अगर बाय लेटर है तो जिस दिन ऑफरी ने खत भेज दिया ऑफरर बाउंड, और जब ऑफरर को खत पहुंच गया ऑफरी बाउंड। तो ऑफरर के नज़दीक, ऑफरर के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 15 सितंबर को, ये इसकी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट 15 सितंबर को बन गया, और बी की नज़र में 16 नवंबर। ये बात समझ आइए, किताब की लैंग्वेज में देखते हैं, लैंग्वेज में एक वर्ड है अगेंस्ट, हम उसको डिफरेंट तरीके से भी लेके चल सकते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट का मतलब है एस पर, आप अगर इस पे एस पर लिख दें तो शायद आपके लिए पढ़ना ज्यादा आसान हो जाए। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एस पर प्रपोजर, एस पर ऑफरर, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसको रवाना किया जाएगा उस दिन ऑफरर की नजर में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, ऑफरर की नजदीक, प्रपोजर के नजदीक। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के नजदीक कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा उस दिन इसके नजदीक कंप्लीट हो जाएगी बी के, और जिस वक्त खत रवाना होगा ए के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेने, वैसे तो ब्रेक के बाद भी इस पर डिस्कशन चलती रहेगी। सिर्फ खत में ऐसा होता है, आमने सामने में बोला ऑफर कम्युनिकेट, सुन लिया उसने ऑफर कम्युनिकेट हो गई, उसने बोला इसने सुन लिया एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, क्योंकि आमने सामने है, फौरन फौरन से ऑफर हो रही है, फौरन फौरन से एक्सेप्टेंस हो रही है, फौरन से सुना जा रहा है चलेगा। बट हम चूंकि पढ़ रहे हैं 1872 का कानून, तो उस ज़माने में खत वगैरह भी इन्वॉल्व होते थे, और ख़तों में ये कन्फ्यूजन होती थी। देखिए ना, मैंने आपको कन्फ्यूजन बताई कि ये भाई साहब इतना सारा माल साइड पे रख के बैठे हुए हैं, और वो भाई साहब जो है वो खत पहुंचने से दो दिन पहले किसी और के साथ डील कर लें, तो इस बेचारे का क्या कसूर, इसने तो बड़े जेन्युइन तरीके से एक्सेप्टेंस भी दे दी है। तो कानून ने एक्सेप्टर को बचाने के लिए, क्योंकि ये फंसेगा, इसको बचाने के लिए एक रूल निकाला कि ऑफरर उस दिन बाउंड हो जाएगा, ऑफरर की नज़र में उस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगी जिस दिन खत रवाना हुआ है, खत वो रवाना करेगा बाउंड ये हो जाएगा। और एक्सेप्टर किस दिन बाउंड होगा, जब खत पहुंच जाएगा, तो पहुंचने पे वो बाउंड होगा, चलने पे ये बाउंड होगा, एक डायगनल बनेगा, जिसके हाथ में खत है वो नहीं दूसरा बंदा बाउंड हो रहा है, खत है यहाँ इसके हाथ में, कौन बाउंड हो रहा है वो, और खत पहुंचा इसके हाथ में, तो जिसके पास खत पहुंच रहा है वो नहीं दूसरी पार्टी बाउंड हो रही है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। देखिए, ऑफर तो अगर कभी जिंदगी में ना पहुंचे फिर तो परेशानी है ही नहीं, परेशानी होती ये है कि एक्सेप्टेंस एक पार्टी कर चुकी है और दूसरे को पता नहीं लगा, जो कर चुकी है वो बेचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू कर देती है। तो लॉ ने ये कहा है कि जब एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टेंस भेज दे तो सामने वाला बंदा बाउंड हो जाएगा, फिर उसे रीजनेबल टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद वो कोई एक्शन करना चाहे तो वो कर सकता है। सर, आपने बताया कि पुराने जमाने में लेटर के जरिए करते थे, ठीक है, सर अगर लेटर एक्सेप्टेंस का जिसने ऑफर है जी, ठीक है, वो पहुंचाएंगे उसके पास, मतलब कभी ना पहुंचे, अगर वो कभी भी नहीं पहुंचा, रास्ते में वो खत ही डूब गया। अब असूलन कानूनी तौर पे ए बाउंड हुआ हुआ है 15 सितंबर से, अगर बी साबित कर दे कि उसने सही तरीके से खत रवाना कर दिया था, अब खत मिसप्लेस हो गया, ए कब तक बाउंड है, रीजनेबल टाइम तक, रीजनेबल टाइम गुजरेगा तो ए कहेगा कि भाई मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं इंतज़ार कर सकता था, उसका खत अगर रस्ते में ही डूब गया है तो कानूनी तौर पे जब खत रवाना हुआ था मैं बाउंड हो गया था, मैंने एक मुनासिब टाइम इंतज़ार भी किया कि शायद खत, भाई ए तो डाउट में है ना, पता नहीं खत चला है कि नहीं चला,
तो ए एक मुनासिब टाइम तक इंतज़ार करेगा और उसके बाद ए आज़ाद होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने ऑफ़र ख़त के थ्रू भेजी है तो दिल बड़ा रखें, फिर ख़त के आने का भी इंतज़ार करें एक सफिशिएंट मार्जिन रख के। और जब बहुत ज़्यादा इतना टाइम गुजर जाए कि अब आपको यकीन हो जाए कि वहाँ से ख़त नहीं आने वाला, फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और तरफ कर सकते हैं। तो अगर ये ख़त कभी भी ना पहुँचे तो ए इसके चलने वाले दिन से लेके एक रीज़नेबल टाइम तक ए बाउंड रहा है, लेकिन चूँकि वो ख़त कभी पहुँचा ही नहीं तो बी तो बाउंड हुआ ही नहीं कभी भी अपनी एक्सेप्टेंस पर। और चूँकि रीज़नेबल टाइम का वो भाई साहब भी इंतज़ार कर चुके और वो भी अब गुजर गया, तो अब वो भी बाउंड नहीं हुआ। जी उस केस में डिफॉल्टिंग पार्टी कोई नहीं होगी क्योंकि हालात की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा हो गया। हम चैप्टर 6 से लेकर 10 तक जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी अगर हालातों वाकयात ऐसे हो जाए, भाई जलजला आ जाए, कोरोना आ जाए, को और इस तरह की चीज़ आ जाए जिसके बाद पार्टीज़ अपनी वो फुलफिल ही ना कर सकें अपनी ऑब्लिगेशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। क्लियर? बहरहाल ब्रेक के बाद भी ये डिस्कशन जारी रहेगी, ये मज़े की डिस्कशन है और इसी के ऊपर ही हमारी वो। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि आप जो है ना ब्रेक के बाद फ्रेश होकर मुझे दोबारा बर्दाश्त कर सकें। 4:11 हो रहे हैं, 4:25 फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, और इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए इसमें फिर आगे रेवोकेशन के रूल्स ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, 4:25 पे दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो हेलो, लेकिन चूंकि हम एक ऐसा कानून पढ़ रहे हैं जो 150 साल पुराना है और आईके अपने हमारे सिलेबस में डाल दिया है, तो इस वक्त हम कर कुछ नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़माने की मजबूरियों को समझने की कोशिश करते हुए हम चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो कोई मुझे सादा अल्फाज में बताएगा ये हुआ क्या है? बी को प्रोटेक्ट किया, बेसिकली ऑफरी को प्रोटेक्ट किया। भाई ने बिल्कुल अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए, यहाँ ऑफरी को प्रोटेक्ट किया गया है कि ऐसा ना हो कि वो बेचारा एक्सेप्टेंस दे कि अपनी तरफ से पक्का होकर बैठ जाए। क्योंकि ए ने तो ऑफर दी हुई है, जब तक ऑफर इसे नहीं मिली थी मसला नहीं था, लेकिन अब इसे ऑफर मिल गई है और ये भाई साहब ने उसका जवाब भी दे दिया अच्छे तरीके से। अब अगर अच्छे तरीके से इसने जवाब दे दिया है तो ये इसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। तो लॉ ने इसको सेफ करने के लिए रूल ये बना दिया कि खत भेजने वाला जिस वक्त खत भेजेगा एक्सेप्टेंस का, उस वक्त ऑफरर बाउंड हो जाएगा। ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है, अब ऑफरर इस एक्सेप्टेंस को मानने पे वाजिब होगा, अनलेस कि इतना लंबा चौड़ा टाइम गुजर जाए कि ऑफरर तक पहुँचे ही ना एक्सेप्टेंस का खत। जी कौन कब बाउंड होगा? किबला कौन कब बाउंड होगा सामने की डायग्राम में? ए बाउंड होगा 15 सितंबर को और बी 16 नवंबर को, यानी ए उस दिन बाउंड हो जाएगा जिस दिन खत रवाना किया गया है और बी उस दिन बाउंड होगा जब खत पहुंचा है। इस बात में कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई परेशानी है मुझे बताएं। जी जी, बुक में जो लिखी हुई है, बुक में जो लाइन लिखी हुई है उसमें वर्ड अगेंस्ट के साथ लिखा हुआ है। अगर आप उस अगेंस्ट को एस पर कर देंगे ना, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इस अगेंस्ट को रिप्लेस करके पढ़ते हैं एस पर। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एस पर प्रपोजर, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी एस पर प्रपोजर। हमारी डायग्राम में प्रपोजर कौन है? ए। ए के हिसाब से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, कब होगी? व्हेन, जब इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि खत रवाना करने का जो प्रोसेस है, तो जिस वक्त उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में भेज दिया जाएगा, यानी कि जब खत रवाना कर दिया जाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी एज पर प्रपोजर। नहीं, ऑफर की कहानी अब हम पढ़ क्योंकि एक्सेप्टेंस रहे हैं। ऑफर के बारे में हमने एक जुमला पढ़ा था कि ऑफर जिस दिन पहुंचता है खत उस दिन कंप्लीट हो जाती है, याद है? हमने ऑफर में कहा था, मैं ऑफर में वो जुमला भी दिखा दूं, एक दफा लगे आता हूं। कम्युनिकेशन, इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन लेटर रीचेज ऑफरी। इधर कहानी बड़ी सीधी सी थी, ऑफर उस दिन कम्युनिकेट मानी जाएगी जब वो ऑफरी को पहुंच जाएगी। अब आगे से मसला है ऑफरी की एक्सेप्टेंस कब रवाना होती है और पहुंचती कब है।
तो एक्सेप्टेंस में उन्होंने दोनों हिसाब से बता दिया कि जिस वक्त खत इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन भेजा जाएगा उस वक्त कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रपोजर अगेंस्ट, जो है ना उसका उर्दू तर्जुमा है के लिहाज से, ये वो अगेंस्ट नहीं है मुकाबले पे आने वाला अगेंस्ट, ठीक है, ये वो अगेंस्ट है कि उसके हिसाब से। तो प्रपोजर के हिसाब से कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट हुई जब खत रवाना हुआ। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के नजदीक कब कंप्लीट हुई? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ, आसान अल्फाज में, जब खत उस तक पहुंच गया। तो ये खत रवाना करेगा वो बाउंड हो जाएगा, उसको खत मिलेगा ये बाउंड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बी ने जब रवाना करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है तो वो इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का मतलब है पहुंचाना, कोर्स का मतलब है वो रास्ते में, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है इस वक्त खत अपनी रवानगी के मराहिल में। खत बी भेज रहा है, एक्सेप्टेंस का खत बी भेज रहा है। अच्छा, बी को ऑफरी भी कह रहे हैं और ए को ऑफरर भी कह रहे हैं। तो बी खत भेज रहा है तो सामने वाली पार्टी कौन है? ए। और ए का कानूनी नाम क्या है? यहाँ ऑफरर। तो ऑफरर उस दिन बाउंड होगा जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का खत रवाना करेगा। और ऑफरी कब बाउंड होगा भला? जब ऑफरर को खत मिल जाएगा। तो इसलिए जिसको मैंने ए और बी कहा, ए बेसिकली ऑफरर है और बी ऑफरी है, है ना मजेदारी की बात, फुल गुमन गेरिया। अच्छा, ये जो ऑफर है और जो एक्सेप्टेंस है ये रिवोक भी हो सकती होगी। अब थोड़ा सोच के बताएं, ऑफर इसको भूल जाए, ऑफर आइडियली कब तक रिवोक हो सकती होगी? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ठीक है। अब मजीद सोच के बताएं, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती होगी? ए के पास पहुंचने से पहले पहले तक। ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहले हो सकती है, एक्सेप्टेंस स्टार्ट होने से पहले पहले, और एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले तक ख़त्म की जा सकती है। अच्छा, ऑफर का डॉक्यूमेंट ए और बी में से किसने रवाना किया था? ए ने। तो ऑफर की रेवोकेशन का डॉक्यूमेंट भी कौन रवाना करेगा? ए। तो ए ने ऑफर भेज दी है, ए अब नहीं चाहता कि उसकी ऑफर वैलिड रहे, तो ए को चाहिए ज़्यादा तेज़ रफ्तार घोड़े से अब उस ऑफर की रेवोकेशन भेज दे। सामने की डायग्राम को बड़े ध्यान से देख के बताएं, ए किस दिन तक अगर ऑफर की मंसूखी भेज दे तो बचत है ए की? 15 सितंबर से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ए की नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन हो रही है? 15। तो ए को अपना खत उससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्टेंस किसने भेजी थी? तो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कौन भेजेगा? अब सोचें बी कब से पहले पहले भेज दे तो बचत हो जाएगी। 16 नवंबर से पहले, 7 सितंबर तक ऑफर पहुंची है ना, ऑफर पहुंचने पे कोई बाउंड नहीं होता, ऑफर तो बस एक ऑफर थी, आपने सुनी और मुस्कुरा दिए। कानून कब बनेगा, फंसेंगे कब? एक्सेप्टेंस, एक ऑफर चली गई, मीनवाइल दूसरी ऑफर आ गई, तीसरी ऑफर आ गई, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर एक ऑफर एक्सेप्ट हो गई ना तो उस ऑफर की मनसूखी नहीं हो सकती, अब वो ऑफर से अगले स्टेप में दाखिल हो चुका, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब वो ऑफर ऑफर ही नहीं रही, वो तो एक प्रॉमिस बन गया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गया। तो ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस को भी एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस दोनों की अलग अलग है। ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन हो रही है? जिस दिन खत रवाना हुआ। तो ऑफर अपना ऑफर की मनसूखी का डॉक्यूमेंट ऑफरर उस डेट से पहले पहले अगर भेजेगा तो बचत है उसकी। और एक्सेप्टेंस वाले के नज़दीक किस दिन कम्युनिकेट हुई है फाइनल? 16 नवंबर। तो एक्सेप्टेंस वाला अगर अपनी एक्सेप्टेंस को रोकना चाहता है तो 16 से पहले एक और तेज रफ्तार घोड़े से उसको रोक दे। 7 सितंबर तक तो सिर्फ ऑफर पहुंची थी। देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ए ने एक खत रवाना किया 7 जुलाई को जिसमें एक ऑफर लिखी हुई थी, वो खत बी को मिला है 7 सितंबर को और बी उसको देख के मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना इज नॉट एक्सेप्टेंस।
बी ने कुछ एक्शंस वगैरह किए और उसके बाद अपनी एक्सेप्टेंस का जवाब रवाना किया है 15 सितंबर को। तो इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ, सिर्फ ऑफर पहुंची हुई है। अगर इस दौरान ऑफर की रेवोकेशन हो जाए तो ओके है, ठीक। एक्सेप्टेंस रवाना होने से पहले तो रिवोक ही नहीं होगी, तो 15 को एक्सेप्टेंस रवाना हुई है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस जैसे ही इधर पहुंच गई ना, बी फंस जाएगा। तो फिर बी बेचारे के पास मैक्सिमम टाइम कितना है, 16 नवंबर से पीछे पीछे। अगर बहुत ही ज्यादा भूल जाए ना पेपर में, तो आपने देखना है, एक रूल जहन में रखना है, उस बंदे की नजर में एक्सेप्टेंस जिस दिन हो रही है ना, उससे पीछे पीछे रिवोकेशन हो सकती है। उस बंदे की नजर में, उस कौन है वो बाद में बात करेंगे, जुमला जहन में, उस बंदे की नजर में जिस दिन एक्सेप्टेंस हो रही है, वो बंदा अपना डॉक्यूमेंट उस दिन से पहले रिवोक कर सकता है। मैंने क्या जुमला बोला, कोई रिपीट करेगा? उस बंदे की नजर में एक्सेप्टेंस जिस दिन कम्युनिकेट हो रही है, वो उस दिन से पहले पहले अपना कागज रिवोक कर सकता है। अब ये उसमें ऑफरर को डाल दें, ऑफरर का कागज क्या है, ऑफर, तो ऑफर का, ऑफर की रेवोकेशन, तो ऑफरर ऑफर की रेवोकेशन उस दिन तक कर सकता है जब उस ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है। और ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है, ऑफरर के नजदीक, तो ऑफरर अपना डॉक्यूमेंट उस दिन तक मंसूख कर सकता है जब तक उसके नजदीक एक्सेप्टेंस हुई। एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कौन करेगा? तो जुमला क्या था, वो बंदा अपना डॉक्यूमेंट तब तक रिवोक कर सकता है जब उसकी नजर में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई हो। और इसकी नजर में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? तो इंतहाई आसान अल्फाज में, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आप रिवोक कर सकते हैं। ऑफर करने वाला एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर दे, क्योंकि ऑफर करने वाले के नजदीक 15 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और लेकिन एक्सेप्टेंस करने वाले के नजदीक 16 नवंबर को जाके। तो यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, लेकिन आई होप कि लॉजिक आपको समझ आ रही है। एक दफा ज़रा देखते हैं, रेवोकेशन, रेवोकेशन कब कब हो सकती है, टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन। अब प्रपोजल में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप ऑफर रिवोक कर सकते हैं। अगर सामने एक बंदा, आपने उसे बोला, उसके हाँ कहने से पहले आपने वापस ले लिया, ये तो सामने। और अगर खत भेजें, तो खत में प्रपोजल मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, रेगुलर रूल गया, और द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, यानी एज पर द प्रपोजर, प्रपोजर के नजदीक एक्सेप्टेंस जिस दिन कंप्लीट हुई है, वो उससे पीछे पीछे अपनी ऑफर रिवोक कर सकता। फिर एक्सेप्टेंस वाले ने एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज पर द, तो बस ये रूल जहन में रख लेना है। एक्सेप्टेंस रिवोक एक्सेप्टर करेगा, और ऑफर रिवोक ऑफर करेगा। हर बंदा अपनी वाली चीज उस दिन से पीछे पीछे रिवोक कर सकता है जब तक उसकी नजर में कम्युनिकेशन नहीं हो गई। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दोनों की नजर में फर्क है। खत रवाना होता है तो प्रपोजर के नजदीक कंप्लीट हो जाता है, और खत पहुंचता है ऑफरी या एक्सेप्टर के नजदीक हो जाता है। क्या ये बात समझ आई? थोड़ी सी डिस्कशन है, लेकिन टेक्निकल डिस्कशन है। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब होती है? जो भेज रहा होता है उसकी नजर में उस दिन हो रही होती है, लेकिन असल में वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट कौन होता है? सामने वाला, जिसको वो इनकार कर रहा है। तो जिसको रेवोकेशन की गई है उसकी नजर में वो किस दिन पहुंचती है? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ रेवोकेशन, में कहानी फिर सीधी हो गई। जब पहुंचेगी तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। एक्सेप्टेंस ने ना रूल उल्टा कर दिया था, एक्सेप्टेंस में पहुंचने पे कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, रवाना होने पे कम्युनिकेशन हुई थी। तो ये एक पेचीदा सी सिचुएशन बन गई। कहानी को जीरो से शुरू करते हैं। ए ने एक ऑफर भेजी 7 जुलाई को,
ऑफर में लिखा था कि मुझे आपसे 100 टन आयरन चाहिए 1 लाख रुपए के रेट से, क्या आपको कबूल है? और ये कह के ये ख़त बहरी जहाज़ के रास्ते से भेज दिया। ख़त रास्ते में कोई मसला ही नहीं है, अभी तक कोई कानूनी बात ही नहीं हुई। ख़त पहुंच गया, बी ने ऑफ़र पढ़ ली और मुस्करा भी दिया, अभी भी कोई कानूनी बात नहीं है। अभी एक ऑफ़र और आपको सैकड़ों ऑफरें आती रहती हैं अलग अलग बिजनेसेस की तरफ से। कहानी पेचीदा होगी जब इसने एक्सेप्टेंस दे दी, क्योंकि एक्सेप्टेंस देने का मतलब है कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का साइकिल कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इसने जब ये एक्सेप्टेंस का खत रवाना किया, यहाँ से ए फंस चुका है। अब ए ने जो ऑफ़र दी हुई थी, बी ने ना सिर्फ उसे मान लिया है बल्कि अपनी तरफ से खत रवाना भी कर दिया। बी के कंट्रोल से निकल गई चीज़, बी ने अपनी तरफ से रवाना कर दिया। अब जब बी ने रवाना कर दिया है तो जिस दिन बी ने रवाना किया उसी दिन ए बाउंड हो गया अब अपनी ऑफर पे, ए अब मुकर नहीं सकता, अब वो ऑफर वापस लेने का टाइम उसका ख़त्म हो गया, वो बाउंड हो गया। लेकिन बी की एक्सेप्टेंस अभी जा रही है, पहुंची नहीं है। बी अगर कभी घबरा के एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहे तो बी के पास अभी भी मार्जिन है यहाँ तक। अगर बी ज़्यादा तेज़ रफ्तार कम्युनिकेशन के मोड से अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, अपनी एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले पहुंचा दे तो फिर बच जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन का खत एक ही दिन पहुंचे तो रेवोकेशन हावी होगी, मतलब टाइम को लॉ काउंट नहीं करता, दिन को काउंट करता है। अगर एक ही दिन दोनों पहुँच गई हैं तो समझे आपकी रेवोकेशन भी साथ ही हो गई है। इधर ना ये वाली कहानी ख़तों वाले दौर में नहीं होती कि पहले कौन सा ख़त पड़ा था, क्योंकि उसमें कोई भी बंदा बेमानी कर सकता है। ख़त के पहुंचने का रिकॉर्ड हमें डाकिया से मिल जाता है, ख़त के रवाना होने का रिकॉर्ड डाकिया से मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है, लेकिन कौन सा ख़त पहले पढ़ा गया इसका रिकॉर्ड नहीं। तो जो ख़त सेम डे पे पहुंचते हैं ना उनको हम सेम डे काउंट करते हैं। तो अगर एक्सेप्टेंस रेवोकेशन दोनों इकट्ठे पहुँच गई तो समझे रेवोकेशन हावी है। बात समझ आई जी? ठीक है, ए ने ऑफर का जब खत भेजा तो वो तो अपनी तरफ से इजी है कि उसने ऑफर भेजी है। ऑफर की कम्युनिकेशन कानूनी तौर पे कोई बहुत काम की बात नहीं है। ऑफर पहुंचे ना पहुंचे, पहुंच के पड़ी रहे, अभी तक कोई कानून ऐड नहीं हुआ, कानून कब ऐड होगा? एक्सेप्टेंस तो आप देखिए, ऑफर में हमने इतनी खिचड़ी नहीं पकाई थी, एक्सेप्टेंस पे आके हम एक पूरी खिचड़ी पकाना शुरू हो गए, क्योंकि एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस से कानून क्रिएट होता है। ऑफर्स तो बहुत सारी आती रहती हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें वाहिद टेक्निकल डिस्कशन इसी जगह पे है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चैप्टर इस तरह का है तो आईकैप के सवाल किस तरह के हैं। ये तो पता लगे कि सवाल किस तरह के हैं, ये तो पता लगे कि हम जो कानून पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या हम उसको समझ भी पा रहे हैं या नहीं। तो हो जाए खतरों से टक्कर, भाई का सवाल जी। रेवोकेशन जो है ना, जो भेजेगा उसके नज़दीक उस दिन वैलिड, लेकिन रेवोकेशन में वो बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है जो भेज रहा है, इम्पोर्टेंट कौन है? जिसको आप बता रहे हैं, जिसको आप इनकार बता रहे हैं। तो रेवोकेशन का खत पहुंचेगा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ऑफर की रेवोकेशन उस दिन कंप्लीट होगी जब खत इसको मिल जाए, और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन किस दिन कंप्लीट होगी? जब उसको रेवोकेशन का खत मिल जाए। तो रेवोकेशन में कहानी सीधी है, जो भेजता है वो उस दिन बाउंड हो जाता है और जिसको खत मिलता है वो उस दिन बाउंड होता है। बस खत मिलने का टाइम जो है वो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पीछे पीछे होना चाहिए। नेगेटिव कन्फर्मेशन, हमने कहा ऑफर का जवाब नेगेटिव टोन में नहीं होना चाहिए। यानी ऑफर में एक बंदा ऑफर दे तो दूसरे ने उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर ऑफर के जवाब में दूसरा खामोश है तो आप इसका कभी ये मतलब नहीं निकालेंगे कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। फॉर एग्जांपल, कॉलेज वालों ने आपसे कहा कि जी आप आए, फास्ट ट्रैक है, इतने हज़ार फीस है, और देखिए अगर आप खामोश रहे तो इसका मतलब है कि आपको कोई मसला नहीं। और 3 दिन बाद आपसे कहें अभी तक आपकी फ़ीस नहीं आई क्योंकि हमने आपको ऑफ़र दी थी और आपने इनकार नहीं किया था, खामोश रहे थे, तो चूंकि आप खामोश रहे थे तो हमने खुद ही से समझ लिया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये हरकत ऑफ़र एक्सेप्टेंस में मना है। आपको अगर किसी को ऑफ़र देनी है तो वो उसका जवाब हाँ में देगा
या इनकार करेगा। खामोशी का मतलब इनकार सोचना है तो सोच लें, खामोशी का मतलब यस कंसिडर नहीं करना, ये गलत बात हो जाएगी। क्लियर हो जाए खतरों से टक्कर? जी भाई, ये वाले दो पॉइंट। रेवोकेशन जो बंदा कर रहा है उसकी नजर में कब होगी? जी ये वो दो भाई आपको बुला रहे हैं शायद, वो वाले दो भाई तक शायद नहीं पहुंच पाई। अच्छा जी, जो कर रहे हैं रेवोकेशन जो कर रहा है उसके नज़दीक उसी दिन उसने रेवोकेशन कर दी तो वो अपनी रेवोकेशन पे उस दिन बाउंड है कि हाँ भाई मैंने इनकार किया है। लेकिन इस वक्त इनकार करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इनकार कर रहे हैं उस तक टाइम से पहुंचना ज़रूरी नहीं है। घर बैठे बैठे कह दे मैं अपनी ऑफर वापस लेता हूं, ये तो मज़े की बात नहीं है। तो ऑफर की रेवोकेशन जिस दिन करेंगे आप, आपकी नज़र में उसी दिन कंप्लीट हो गया, लेकिन सामने वाले की नज़र में किस दिन कंप्लीट होगा? जब उसको खत पहुंचेगा। तो टेक्निकली हम ये कह रहे हैं कि जो पर्सन कर रहा है हु मेक्स इट, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में भेज देगा वो उस दिन बाउंड हो जाएगा। लेकिन जिसको भेज रहा है वो किस दिन बाउंड होगा? जिस दिन खत पहुंचेगा। तो कहानी फिर से सीधी हो गई। याद है ऑफर में भी खत पहुंचने पे कम्युनिकेशन होती थी, रेवोकेशन पे भी खत पहुंचने पे कम्युनिकेशन होगी, लेकिन एक्सेप्टेंस पे खत रवाना होने पे कम्युनिकेशन हो गई। तो एक्सेप्टेंस में मैंने आपको उसकी लीगल वजह बताई है कि क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से खत रवाना होने पे बाउंड हो जाते थे। जी तो एक्सेप्टेंस आज हमने पढ़ना कम था, लेकिन चूंकि टेक्निकल चीज़ें थी थोड़ा सा एक दफ़ा पास पेपर देखते हैं, थोड़ा उससे एक आइडिया डेवलप हो कि इस चैप्टर से अभी तक सवाल किस तरह से आते रहे हैं। 2009 से लेके अब तक के जितने सवाल आए हुए हैं वो हम सामने उसको देख लेंगे। एक आध सवाल जो कि रीसेंट अटेम्प्ट का होता है उसको हम मॉक के तौर पे छोड़ते हैं ताकि जो है आप प्रैक्टिस करें, तो वो सवाल आपके लिए एक अनदेखा सवाल हो। आपके पास किताब में चैप्टर के एंड पे पास पेपर आ रहे होते हैं, नहीं तो दूसरी पास पेपर की किताब है उसमें भी आ रहे होते हैं। रफली देखते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपके पास सबसे पहला सवाल लेटेस्ट अटेम्प्ट का है, उससे पीछे उससे पीछे। तो मैं इस वक्त रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ, पुराने सवालों से नए सवालों की तरफ। थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आई कैप सवाल पूछ किस तरह से रहा है। इस चैप्टर से इस हैंडआउट के मुताबिक 11 और आपके पास जो प्रिंटेड किताब है उसमें भी 11 आ रहे हैं। ठीक है जी, 11 सवाल आए हुए हैं 2009 से लेके अब तक इस चैप्टर से। यानी कि एक चैप्टर समझ आने के बाद ये देखना भी तो ज़रूरी है ना कि आई कैप उसका सवाल कैसे पूछ रहा था, कि हमें पता लगे कि क्या हम इस काबिल हैं कि वो सवाल का जवाब दे सकें। पहला सवाल, डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एन एक्सेप्टेंस कंसिडर वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें और बताएं एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाएगी। तो एक्सेप्टेंस की छोटी सी डेफिनेशन दी, अब जरा सोच के बताएं एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी? जब उसके एसेंशियल्स पूरे हों, यानी वो जो आपने एक लिस्ट देखी है। तो अगर आप गौर से देखें तो 7 नंबर का क्रैमिंग का सवाल, कि एक सफ़े पर लिखी हुई चीज़ें आप उठा के लिख दें और 7 नंबर ले जाएं। एक स्टेप ऊपर आते हैं, प्योर रट्टे वाला सवाल था, कोई लॉजिक कोई उस तरह की साइंस नहीं थी। वट इज टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक प्रपोजल को किस टाइम के बाद रिवोक नहीं कर सकते? प्रपोजर की नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले, प्रपोजर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले तक वो रिवोक कर सकता है, उसके बाद रिवोक नहीं कर सकता। ऊपर 4 नंबर का सवाल, हाउ एंड ऑन वट ग्राउंड अ प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड। एक प्रपोजल खत्म कैसे कैसे हो सकता है, एक ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकती है? आपने लंबे चौड़े से तरीके पढ़े हुए लैब्स के, सीधा सीधा सा पूछा है। ले जी टेक्निकल सवाल आया, मजा आएगा। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर 4 लाख। मुराद ने अपनी कार सनम को ऑफर की कि भाई 4 लाख रुपए दो और मेरी गाड़ी ले लो, 2015 में 4 लाख में गाड़ी आ जाती होगी। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर, सनम ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। मुराद ने कहा मेरी गाड़ी लो, 4 लाख रुपए दो मेरी गाड़ी ले लो, और सनम ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। एंड एनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख विद अ प्रॉमिस टू पे बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500 ईच। 1.5 लाख
का पे ऑर्डर भेज दिया और साथ में वादा कर लिया कि अब मैं महीने के महीने किस्तें देती रहूंगी, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हम कहेंगे नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है। ऑफर ने कहा ये 4 लाख की गाड़ी लेनी है, वो कहती है हाँ लेनी है, कहानी खत्म। ये जो उसने खुद ही से 1.5 लाख की डाउन पेमेंट कर दी और बाकी की किस्तें करा ली, खुद ही से कंडीशंस ऐड कर दी, ये काउंटर ऑफर है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। बात समझ रहे हैं कि लॉजिकल सवाल किस तरह से आता है? आपके पढ़े हुए एक रूल की बेस पे वो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन में देखते हैं कि क्या आप उस सिचुएशन को देख के समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक स्टेप ऊपर चलते हैं, ये तो बड़ी मज़ेदारी वाली बात आ गई। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, बल्कि दूसरा दिन तो अभी घर जाके याद भी नहीं किया और आपको सवाल समझ आना शुरू हो गए, तो आप लोग तो वाकई आग लगा देंगे, अल्लाह खैर करे। बदर, हु इज़ ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट, बदर जी मशहूर एसोसिएट का ओनर है। सेंड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स विच हैज़ बीन मिसिंग फॉर 5 डेज। 5 दिन से उसका एक पालतू घोड़ा जो है वो गुम हुआ हुआ था, तो बदर नामी शख्स ने अपने एम्प्लॉई आफ्ताब को भेजा कि ढूंढो। बदर एडवर्टाइज अ रिवॉर्ड ऑफ 20,000 इन न्यूज़पेपर, और साथ में अखबार में उसने इश्तिहार भी दे दिया 20,000 रुपये का कि जो मिसिंग हॉर्स लेके आएगा मैं उसको 20,000 रुपये दूंगा। एक तरफ से अपने एम्प्लॉई को भेज दिया जाओ घोड़ा ढूंढ के लेके आओ, और एक तरफ अखबार में इश्तिहार दे दिया कि 20,000 रुपये मैं दूंगा जो भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लेके आएगा। आफ्ताब वही एम्प्लॉई अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, उसको नहीं पता था अखबारी इश्तिहार का, ट्रेस द हॉर्स, वो घोड़ा ढूंढ के ले आया। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड, सब्सिक्वेंटली बाद में जब उसे रिवॉर्ड का पता लगा, आफ्ताब क्लेम इट फ्रॉम बदर, आफ्ताब ने बदर से कहा कि मेरे पैसे, जैसे वो लाहौरी जबान में होता है कि वो मेरे पैहे, ठीक है, तो उसने कहा किड़े पैहे, ठीक है, तो मेरे पैहे किधर गए? तो क्या उसको वो पैहे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे पैहे? अनअवेयर, उसको पता नहीं था। एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट थिंग, वो घोड़ा ढूंढ के जब लेके आ रहा था, वो एक्शन के वक्त उसे नहीं पता था कि इस घोड़े पे 20,000 का इनाम रखा हुआ है। आप देखेंगे एक लाइन पकड़ी, सिचुएशन बना दी, 4 नंबर का सवाल पूछ लिया। अब इस सवाल को जवाब कैसे देना है ये एक राज है, ये मैंने परसों बताना है इंशाल्लाह। कल आप लोग एक टेस्ट दे रहे होंगे और परसों मैं बताऊंगा कि टेस्ट करना कैसे था। तो एक दफ़ा आप अपने तौर पे टक्कर मारेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से अच्छे तरीके से लिखा जाए, फिर जब मैं उसमें पॉइंट बताऊंगा तो हो सकता है आप में से कुछ को लगे कि अरे वाह हम तो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, और कुछ को एक इम्प्रूवमेंट का मौका मिल जाए। तो इसमें एक लॉ है, लॉ ये है कि घोड़ा मिसिंग मतलब पता नहीं था ऑफर का एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। एक सिचुएशन है कि घोड़ा गुम हुआ है वो ढूंढ के ला के दे रहा है, और एक आपका नतीजा है कि सही है या गलत। तो आपने इस तरह की सिचुएशन में ना आंसर में 3 बातें करनी होती हैं, कानून क्या कहता है, इस सिचुएशन में मसला क्या है, और अब आपका जवाब हाँ है या ना है, क्योंकि एंड पे वो आपसे पूछते हैं बताओ क्या वो क्लेम कर सकेगा पैसे। तो हम कहेंगे नहीं, इस सवाल का सीधा सा जवाब नहीं देंगे तो वो आपको आधा नंबर देंगे, शायद उतना भी ना दें। आप पहले कहेंगे कानून ये कहता है, फिर कहेंगे इस सिचुएशन में यूं हुआ है, अब इस वजह से मेरा जवाब है नहीं। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी वो कहानी ख़त्म नहीं हुई। एक दिन हमने तकरीबन कोई आधा घंटा ये समझना है कि आई कैप के सवालों को हमने पेपर में सॉल्व कैसे करना है एग्जाम्पल्स के साथ इंशाल्लाह, ताकि फिर उसके बाद जो है वो आप टेस्टों के अंदर वो चीज़ प्रैक्टिस करते रहे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। इससे ऊपर चल के देखें, लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, 4 नंबर के लिए एसेंशियल पूछ लिए, मर्जी है, कभी 7 नंबर के लिए पूछ लिया, कभी उस वक्त डेफिनेशन पूछी थी वो छोटी सी, तो एसेंशियल्स उन्होंने पूछ लिए। अब जब एसेंशियल पूछे हैं तो आप लिस्ट डाउन करते हुए बहुत ज़्यादा गहराई में ना उतने ऊपर ऊपर की बात लिखते हैं। लेंच, खत आ गया 3 सितंबर 2018 को, सलीम ने ऑफर किया है बाई लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर 50,000। 3 सितंबर को सलीम ने एक ऑफर लेटर भेजा है कि 50,000 रुपये में मैं तुम्हारा लैपटॉप खरीदूंगा, और ये लेटर मिला है 5 सितंबर 2018 को। खत भेजा कब गया है? कौन पार्टीज हैं? सलीम और गाजी। सलीम ने गाजी को खत भेजा, और सलीम ने ये खत भेजा है 3 सितंबर को, और खत कब मिला है? 5 सितंबर को। तो ये ऑफर का खत है, 5 सितंबर को मिला है। फिर क्या हुआ? 6
6 सितंबर को गाजी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रवाना किया। गाजी ने एक्सेप्टेंस कब भेजी है? 6 सितंबर को। और ये एक्सेप्टेंस पहुंची कब है भला? 8 सितंबर को। यहां तक हम उसको डायग्राम पे लेके आ रहे हैं। दिस इज अलाउड क्या है कि आपका एक सवाल करते हुए आपने रफ वर्किंग करनी है तो आप नीचे करके उसे दिखा सकते हैं, इवन सबसे आखिरी सफे पे भी कर सकते हैं। वो माइंड नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सलीम ने फिर आगे एक और हरकत भी कर डाली। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर। सलीम ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन भी का खत रवाना कर दिया एंड पोस्टेड इट ऑन टू गाजी ऑन 5 सितंबर 2018। ये भाई साहब ने क्या किया कि इधर से एक ऑफर की रेवोकेशन, ऑफर की रेवोकेशन भी भेज दी। 5 सितंबर को उसने भेजी, 5 सितंबर को भेजी, ठीक है। और लेटर गाजी को कब मिला? 7 सितंबर। सवाल को इग्नोर करते हैं। ऑफर चली है 3 को और पहुंची है 5 को, तो ऑफर आपको पता है कंप्लीट तब होती है जब पहुंच जाती है, 5 को पहुंच गई। मसला आता है एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस रवाना कब हुई है? 6 को, और पहुंची कब है? 8 को। तो इसने जिस वक्त खत रवाना किया तो बाउंड कौन हुआ होगा भला? सलीम। हमारे एग्जांपल में अब ए बी नहीं है, सलीम है। और गाजी किस दिन बाउंड होगा भला? 8 सितंबर। तो सलीम ने अगर ऑफर भेजी है तो ये ऑफर की रेवोकेशन अपने बाउंड होने से पहले पहले भेज सकता है। और ये बाउंड किस दिन हुआ है? 6 को। तो इसका रेवोकेशन 6 या उससे पहले पहुंचता तो बचत थी। इसकी रेवोकेशन अब पहुंची है तो इसका मतलब है कि अब रेवोकेशन का फायदा नहीं रहा। बात समझ आई? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सवाल हमसे पूछ क्या क्या रहा है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करना है? व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वॉज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस। बहुत ही दिल पे लगे। उन्होंने कहा ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन कब कब कंप्लीट हुई है। ऑफर कब कंप्लीट हुई है दोनों के नजदीक? 5 को। एक्सेप्टेंस सलीम के नजदीक कब कंप्लीट हुई है? 6 को। और गाजी के नजदीक? समझ आ रहा है? ऑफर की रेवोकेशन सलीम ने किस दिन की है? तो सलीम के लिए वो दिन है, लेकिन सलीम इंपॉर्टेंट नहीं है रेवोकेशन में। गाजी, गाजी के नजदीक कब हुई है? 7 को। तो आपने ये सारी चीजें बता दी। सेकेंड पार्ट, वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। शायद आप जज्बाती हो के पहले नो कह दें। सवाल ये नहीं पूछा कि बताओ रेवोकेशन ठीक है या नहीं। सवाल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है या नहीं। अगर रेवोकेशन पहले पहुंच जाती तो कॉन्ट्रैक्ट फारिग था, लेकिन चूंकि रेवोकेशन बाद में आई और कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया था तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सलीम और गाजी के बीच में है। आंसर कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि हम डिटेल से विद एग्जांपल देखेंगे, लेकिन ये एक टेक्निकल सवाल समझ आया। नहीं जी, ये बड़ा सा सवाल नजर आ रहा है, खामखा से देख के परेशान ना हो जाए, पहले छोटा सवाल देख लेते हैं। रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ सिनेरियोज दिए हुए होंगे, उसका एक पार्ट सी हमने पकड़ा जो इस चैप्टर से रिलेट करता था। बतूल ऑफर्ड टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 42 लाख। बतूल ने साकिब से कहा कि मैं 42 लाख रुपए में अपना ये फ्लैट तुम्हें बेचना चाहती हूँ, ऑफर दी। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंड अ चेक ऑफ 15 लाख विद अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन कहते हैं कंडीशन को। विद अ स्टिपुलेशन टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,12,500 ईच। बताएं क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आप ये देखें कि अगर एक बच्चे ने पास पेपर पढ़े हुए हों तो आइडिया भी पास पेपर से उन्होंने चोरी किया। उस वक्त गाड़ी थी, इसमें फ्लैट आ गया। गाड़ी 4 लाख की थी, फ्लैट ज़रा ज़्यादा महंगा था, 42 लाख का था। वही चीज़ कि इसने एक्सेप्टेंस गलत तरीके से दी है तो ये काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है इनका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से आपने एक सवाल देखा था, उससे मिलता जुलता सवाल ऊपर भी है। सलमान सन वॉज मिसिंग। सलमान का बेटा गायब था, मिसिंग था, गुम हो गया था। महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन। सलमान का एक बॉडी गार्ड, उसने सलमान से वादा किया जी मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लेके आऊँगा।
Meanwhile, सलमान गेव एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर अनाउंसिंग एन अवार्ड ऑफ 25,000. उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि मैं 25,000 रुपये दूंगा उस बंदे को जो फाइंड करेगा मिसिंग बॉय को. महमूद फाउंड द बॉय. महमूद कौन है जी? वो ही बॉडी गार्ड जिसने वादा किया था. एंड ब्रॉट हिट होम. सलमान रिफ्यूज टू पे द रिवॉर्ड एंड महमूद फाइल्ड अ सू अगेंस्ट हिम. सलमान ने उसे इनाम नहीं दिया और उसने सलमान पे लीगल केस कर दिया. सवाल यह है कि क्या महमूद एंटाइटल्ड है? सवाल में उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि महमूद को पता है या नहीं रिवॉर्ड का. नीचे वाले में उन्होंने क्लियरली बताया था उसे नहीं पता. तो इतना पक्का इनकार करेंगे तो ज़रा ख़राब हो जाएगा मामला. आप कहें कि अगर उसे पता था फिर तो उसका हक बनता है, और अगर उसे नहीं पता था तो फिर उसका हक नहीं बनता. तो अगर आप गौर से देखें तो इधर घोड़े की जगह बच्चा आ गया, 20,000 की जगह 25,000 आ गया. यानी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वो आई कैप चीज़ों को गोल गोल घुमा रहा होता है. एक PTCL नंबर से कॉल है जो कि आज एक बैंक से आनी थी, मैंने उसको सामने रखा था. सिर्फ एक मिनट, मैंने एक हाँ कहना है. अस्सलाम वालेकुम. जी जी बिल्कुल. जी जी बिल्कुल. कैश का चेक है, कर दें इसे प्रोसेस. थैंक यू. मुझे टीम ने बताया हुआ था कि वो एक चेक प्रोसेस होने गया, वो एक खास अमाउंट से ऊपर ना कंफर्मेशन लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसे सामने रखा हुआ था ताकि वो कॉल मिस ना हो. नहीं जी, वापस इधर आते हैं. ये महमूद और सलमान और ये सारी बात समझ आई? इसका मतलब है ये सिर्फ किरदार है, कभी महमूद, कभी सलमान, कभी गाजी, कभी सलीम. असल में कॉन्सेप्ट अगर आपको आता हो तो जो मर्जी किरदार आ जाए आप फड़का फड़कू के रख देंगे. थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. नीचे हमने एक बड़ा सवाल छोड़ा हुआ भी है. इसका पार्ट ए क्या था? अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस. वैलिड एक्सेप्टेंस का एसेंशियल चार नंबर के लिए पूछे. ऊपर वाला सवाल देखें या नीचे वाला सवाल? BT is engaged in business of import, purchase and supply of electronic item. During the year, BT entered into following contract for supply of various product. उसने बहुत सारे contract किए और हमारे सिर्फ एक part, हम पांचवा part उसका देख रहे हैं. HL के साथ एक new customer है, वो BT के पास आया for purchase of 5 television set. एक customer आपके पास आता है और कहता है मुझे आपसे 5 TV खरीदने हैं. बहुत अच्छी बात है, हम जरूर बेचेंगे उसे. BT agreed to supply the television set on 6 मार्च 2022. उन्होंने कहा हम आपको 6 मार्च 2022 को बेचेंगे. ओके, कोई मसला नहीं. एट अ डिस्काउंट ऑफ ईदर 10% और 15%. या हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे या हम आपको 15% डिस्काउंट दे देंगे. ऑन रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. जिस वक्त डिलीवर हो रहा होगा उस वक्त एक रिटेल प्राइस होगी, उस पर 10% या 15% जो उस वक्त मोड हुआ वो दे देंगे. अपॉन डिलीवरी, जब वो डिलीवर करवाने आया टीवीज को, तो HL ने कहा कि मुझे 15% डिस्काउंट दे, आपने कहा था या 10 देंगे या 15. तो वो भाई साहब ने कहा कि ना कोई चक्कर नहीं, हमने 10 या 15 कहा था ना, हम तो 10 देंगे. इसमें क्या गड़बड़ थी इनके एग्रीमेंट में? सर्टन नहीं था, डेफिनेट नहीं था, क्लियर कट नहीं था कि कितना डिस्काउंट, 10 या 15. जब इस तरह का कंटिंजेंट रख लेंगे, इस तरह का डाउटफुल रख लेंगे, इस तरह के उसमें इबहाम रख लेंगे, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा. तो खूबसूरत बात यह है कि वो अब आपसे पूछ रहे हैं, बताएं क्या आप उसको लायबल कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो हम यहाँ कहेंगे भाईजान केड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बना ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, आपकी ऑफर ही थकी हुई थी, ऑफर में सर्टेनिटी नहीं थी. ऑफर सर्टन और डेफिनेट होती तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ तो क्या बात करते हैं. बात समझ रहे हैं कि ये चैप्टर हमने याद कैसे करना है. और फिर ये अगर आप देखें तो दो तरह की चीज़ें रट्टे में नज़र आई हमें, एक वो लिस्ट की ऑफर रिवोक कैसे होती है और एक वो लिस्ट जो एसेंशियल थे. तो जहाँ लिस्ट नज़र आए वहाँ से वो रट्टे वाला सवाल भी पूछ सकते हैं. और क्या करते हैं, बीच में से एक थीम पकड़ते हैं, एक लॉ, एक से वो कानून को देखते हैं और उसके ऊपर एक सिचुएशन बना देते हैं. तो इसका सवाल एक पहेली की तरह से है, जिसने पढ़ा हुआ और याद किया हुआ उसको मज़ा आएगा, जैसे वो पजल सॉल्व कर रहा है. बस प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदगी ऐड हो जाती है अपने अल्फाज में, तो वो उसमें चीज़ें कवर होती हैं. नहीं जी, वो एक सवाल हमने पीछे स्किप किया था. रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग सिनेरियो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपने जो है ना इसके ऊपर तबसरा करना है. अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी सेंड हिम दिस लेटर ऑन 1st मार्च 2019. अहमद
आदिल की डीएचए की प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड था, उसने खत भेजा उसे, कौन सी तारीख को? 1 मार्च 2019 को। आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर डीएचए प्रॉपर्टी, सुना है कि आप अपनी डीएचए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अब ये खत पूरा आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि खत में क्या लिखा हुआ है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज करूँ। विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, क्या आपका आप सोचेंगे इस बारे में कि आप मुझे प्रॉपर्टी बेचें? वट इज़ द हाइएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार, अभी तक आपको सबसे बड़ी कीमत क्या लगी है? ऐसा मतलब अब बातें चल रही हैं, शुगल मिला कि अच्छा क्या और सुनाओ क्या हाल है, प्रॉपर्टी कितने की चल रही है, मेरा भी बड़ा दिल करता है तुम्हारी प्रॉपर्टी का, वो अच्छा बताओ तुम्हारे पास क्या क्या ऑफरें आई हुई हैं, मतलब अभी बातचीत हो रही है। आदिल ने रिप्लाई किया कि मुझे अभी तक हाईएस्ट जो कोट आया है वो 35 मिलियन का आया है, मुझे 3.5 करोड़ का अभी तक सबसे बड़ा रेट लगा है। अहमद रिप्लाइड, आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी 36 मिलियन में खरीदने पर तैयार हूँ। सब्सिक्वेंटली आदिल को हामिद की तरफ से एक ऑफर मिली 38 मिलियन की और आदिल ने निकाल दी। बताएं आदिल की अहमद की तरफ कोई जिम्मेदारी तो नहीं बनती? क्यों? देखिए उसने तो कह दिया था मैं 36 मिलियन में खरीद लूँगा, एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, पीछे तो इनविटेशन टू ऑफर टाइप की चीज़ें चल रही थी ना, क्या भाई तुम्हारा क्या मूड है, मेरा दिल करता तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूँ, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, मार्केट में क्या आवाज़ें हैं, अभी तक तो बातें चल रही थी। पहली दफ़ा उसने 36 मिलियन की आवाज़ एक्सप्रेसली लगाई थी कि अच्छा मैं 36 मिलियन में तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो उसने जो हरकत की थी वो ऑफ़र थी, और ये भाई साहब ने उस ऑफ़र का जवाब नहीं दिया था, और जब इसने जवाब नहीं दिया तो ये बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। उसको एक ऑफ़र 38 मिलियन की मिली, उसने उसके साथ डील कर लिया। तो अगेन इसका मतलब है कि ये सिचुएशन पढ़ के आपने ये बीच में समझा कि ये अभी ऑफ़र पूरी हुई नहीं है। तो एक छोटा सा चैप्टर जो कि सबसे पहले आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। पहले हम प्रॉमिस को समझते हैं, फिर एग्रीमेंट को समझते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ड ऑफर की डेफिनेशन पकड़ के और फिर उसके कुछ असेंशियल्स देखते हैं जो कि आसान असेंशियल्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आता है और फिर हम समझते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या है, फिर एक्सेप्टेंस की पेचीदगियों को समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो टेक्निकल बात हमने पढ़ी, एक ऑफर की डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी थी, वो आपने याद कर लिया। दूसरी टेक्निकल बात ये आई कि जब खत भेजे जा रहे होते हैं तो ऑफर तक भी कहानी सीधी और रेवोकेशन की कहानी भी सीधी है, लेकिन एक्सेप्टेंस की कहानी उलट हो जाती है। खत ये भेजता है और बाउंड हो जाता है सामने वाला, और सामने वाले को खत पहुंचता है तो बाउंड हो जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने एक डायगोनल बनाने की कोशिश की है, ये आपने जहन में रखना है। इस दिन वो बाउंड हो रहा है और उस दिन ये बाउंड हो रहा है, एक्सेप्टेंस में उलट हो जाएगा। रेवोकेशन में फिर सीधा है, रेवोकेशन जब पहुंचेगी, जिसको जब पहुंचेगी वो उस वक्त उसके लिए बाउंड होगा। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज पर प्रपोजर जब खत रवाना होता है, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब उसके नॉलेज में आ जाता है, या आसान अल्फाज में जब खत पहुंच जाता है। तो आज हमने खतों के कुछ रूल्स पढ़े, हमने इस चैप्टर को, इसमें थोड़ा सा एरिया रह गया था, ख़त्म किया, और ख़त्म करते साथ ही हमने 100% पास पेपर भी देख डाले। तो मज़े की बात यह है कि हमें हौसला हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं, नंबर वन वो हमें समझ आ रहा है, और नंबर टू जो पढ़ा है उसमें आई के अपने आज तक जितने सवाल पूछे, यानी पिछले 12 13 14 साल में उन्होंने जितना कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा, हमें वो हर सवाल समझ आ गया। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब हम लिख रहे होंगे तो क्या हम उतना अच्छा लिख रहे होंगे जो आई कैप को पसंद आ जाए? लिखने की प्रैक्टिस अभी एकदम से ही, मतलब पहले ही दिन से ही अगर हम जज्बाती हो के बिल्कुल ही उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दें तो वो सही नहीं है। लेकिन अब कल आपका पहला टेस्ट भी आ गया, आपको पता है इसमें तो हमने टेस्ट बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, तो बस वो शुरू वाला हल्ले गुल्ले वाला टाइम ख़त्म हो गया। तो कल क्लास से इमीडिएट पहले यहीं क्लास में आप आएँ, 1 घंटा टेस्ट का टाइम, ठीक है? 2:15 बजे, ठीक है?
2 से 3 यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हो, आप यहाँ पे आके बैठे हुए हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आपको आंसर शीट मिले। जी कल क्लास भी है, किस वक्त से किस वक्त तक? वो चलें एक काम करते हैं, हम क्लास में एक ऑफिशियल टाइम पे उसको कंडक्ट कर लेते हैं, और अगर क्लास से हट के कोई छुट्टी के बाद, फिर आत्म में अगले दिन का भी वजन आपके दिमाग में पड़ा हुआ होगा। 4:15 के बाद है, इमेजिन 5:15 पे तो क्लास खत्म होती है। अगर 5:15 के बाद आप लोग इजी हैं, क्योंकि 5:15 के बाद फिर मगरिब, और मगरिब के बाद आप लोग तो पहले ही टेस्ट पे परेशान हो गए। नहीं तो एक मिनट, 2 से 3 कितने लोगों को क्लैश? क्लैश मतलब जिनका क्लैश है कि उस टाइम पे कोई ना कोई क्लास चल रही है, तो तकरीबन 3 से 4 ऐसे लोग हैं, बल्कि 3 जो, हाँ। तो अब ये है कि फिर ये वाले स्टूडेंट क्लास के फिर बाद में दे दें, इस तरह से कर लें। फिर उसमें क्या होगा कि आप उतना रेगुलेटेड नहीं होंगे, जैसे होता है ना कि बाकी लोग क्लास में एक डेफिनेट टाइम पे बैठे हुए हैं, एक इन्विजिलेटर बैठा हुआ है, जो इससे हटके किसी टाइम पे कर रहे होंगे, वो फिर आपको इंतज़ामिया जो है वो फिर टेस्ट दे देगी, और आप उसको किसी किनारे पे बैठ के कॉलेज के अपने तौर पे जो है वो सीरियस होके उसको अटेम्प्ट करके और दे रहे होंगे। क्योंकि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि आप नकल मार के मेरे सामने एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करेंगे कि सर खुश हो जाए, अब तो आप अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो 2:15 टेस्ट का टाइम यहाँ पे अगर आप क्लास के टाइम पे दें, क्लास से हट के अगर आपने देना हो तो फिर आप जो है वो किसी भी टाइम पे आके, फिर आपको असल में भी फैसिलिटेशन का भी डिपार्टमेंट नहीं है, फिर शायद फ्रंट ऑफिस से ही पूछना पड़ेगा। फ्रंट ऑफिस भाई मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, तो फिर फ्रंट ऑफिस से जो है वो टेस्ट कलेक्ट करना होगा, या ये तब तक कोई ना कोई डिपार्टमेंट एलोकेट कर चुके होंगे, उनसे टेस्ट कलेक्ट करके और किसी भी जगह पे बैठ के, पीछे आपको पता है स्टडी रूम है, बच्चे वहाँ पे जाके आप पढ़ने के बारे में सोच भी रहे होते हैं, ठीक है, और पढ़ भी रहे होते हैं ठीक है। ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर हम पढ़ रहे होते हैं, तो आप वहाँ बैठ के भी दे सकते हैं, लेकिन 2 से 3 हम क्लास वाले टाइम पे, यहाँ पे टेक्स की क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है ना, तब तक 1:30 बजे ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा भी जाए तो 2 बजे तक जाएगी सर, अगर जज्बाती हो जाए, ठीक है, वो पहले 2-2.5 घंटे की है, ठीक है। तो वो 2 से 3 फिर इस क्लास से इमीजिएट पहले यहाँ पे टेस्ट हो रहा होगा इंशाल्लाह, उसमें आप लोग आएँ, और फिर उसके बाद हम उससे आगे पढ़ रहे होंगे। और कल मैं आपको नहीं बताऊँगा कि हमने लिखना कैसे, वो मैंने आपको बताना है परसों इंशाल्लाह। तो हमारे 2 दिन ख़त्म हो गए, अब सिर्फ 18 दिन रह गए, और सिर्फ 17 चैप्टर रह गए, सिर्फ 18 दिन और सिर्फ 17 चैप्टर। जी टेस्ट तकरीबन कुछ 31 नंबर के आसपास मुनासिब सा, 1 घंटे या लेस देन 1 घंटे का, ठीक है जी। थोड़े से MCQs भी 3-4, 4-5, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। घर जाके लिखना भूलना नहीं है, एक भी दिन आप पीछे रह गए ना फिर वापस नहीं आ सकेंगे।